तो नहीं। हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू? यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. ओके, गुड आफ्टरनून भारती. ओके, क्लियर, वेरी नाइस. मीनवाइल हम और स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, तो टिल देन मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मैं आई एम सीएमए भावना शर्मा एंड आई एम अ प्रैक्टाइसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई एम अ सर्टिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ट्रेनर एंड सर्टिफाइड कंसल्टेंट ऑल्सो. एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन इंडस्ट्री ऑफ मिक्स, लाइक इट्स लाइक इंडस्ट्री का भी है, प्रैक्टाइसिंग का भी है, टीचिंग का भी है. हाँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर जीएसटी क्लासेस फॉर 7 डेज. इट्स मीन 14 आवर्स का मेरा सिलेबस है जो मुझे कंप्लीट करना है. एंड इन दैट 7 डेज आई हैव टू कवर योर फर्स्ट फोर टॉपिक. विच वन? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. थर्ड वन इज प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई. एंड फोर्थ वन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. राइट, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इन 7 डेज के अंदर कवर करेंगे और आपको शेड्यूल्स मिल गए होंगे एनआईएसई से. ओके, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट जीएसटी और इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम टेक्निकल जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहूंगी, ठीक है, कि आपको जीएसटी के बारे में कितना पता है. सो माइक्रोफोन सब अपना ऑफ रखेंगे, वीडियो भी आप अपनी ऑफ रख सकते हैं, ठीक है. सो आपको मुझे जो भी रिप्लाई देना है आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे. राइट, तो अभी जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए 3 इयर्स हो गए हैं. कब इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी? आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं. इट्स 1 जुलाई 2017. अतुल, इट्स इन 1954. ओके, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, ओके, फ्रांस. ठीक है, तो अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं. सो इंडिया में जब एप्लीकेबल हुआ है जीएसटी, वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है ना. और लाइक जो जीएसटी का पोर्शन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, वो आपको इंटर में ही इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रुप टू के अंदर. तो उससे पहले आपने जीएसटी नहीं पढ़ा होगा. अगर आपने मतलब सिलेबस को छोड़ के कहीं और आपने जीएसटी पढ़ा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना. तो अभी आप मुझे थोड़ा सा बता दो, आप कितना थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं जीएसटी से, आप लोगों ने कितना जीएसटी के बारे में पढ़ा हुआ है? यस और नो में यू कैन रिप्लाई इफ यू नो. ओके, इस सबको नॉलेज है ना. ग्रेट. अच्छा, ओके, योगेश सेड नो, उनको थोड़ा सा इसका कम कंफर्टेबल है ये जीएसटी के साथ. ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करती हूँ. ओके, पंकज ऑल्सो सेड नो. तो हम इसका बेसिक से उठा के हम एकदम स्टार्ट करते हैं, ताकि जो जो कंफर्टेबल नहीं है वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, और जिनको आता है जीएसटी उनका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो आप अपने जो नोट्स हैं वो आप इमिजिएटली साथ के साथ बना सकते हैं. ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो मैं फोर टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. हमारी काफी अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है स्टूडेंट्स की. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक एंड वी ऑल नो कि वी हैव टू टाइप ऑफ टैक्सेस, है ना. तो वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे जो सीएमए में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो अपने आपको एनरोल करवाते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है, तो उसमें से काफी कुछ तो कॉमर्स के होते हैं, काफी साइंस के होते हैं, और काफी आर्ट्स के होते हैं, है ना. तो मैं उन सबका ध्यान में रखते हुए मैं एक एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. राइट, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करना जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ताकि सबके लिए कंफर्टेबल हो.
सो वी हैव टू टाइप ऑफ टेक्सेस, जिस जिसको आंसर आता है या आप कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपने इंटर ग्रुप वन में पढ़ लिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि आपने इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया और अपना हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस इनकम हो गया आपका, और आपकी इनकम फ्रॉम दैट इज अदर सोर्सेज, ये वाला सारा जो पोर्शन है वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि चार्ज किए जाता है आपका, यस एग्जैक्टली अतुल, इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है बेसिकली, वो भी हम देखते हैं, इट्स इन प्रोग्रेसिव इन नेचर, वो उसका नेचर है ना, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स है वो जो इनकम पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम पे चार्ज किया जाता है, वो पर्सन की इनकम पे चार्ज किया जाता है। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पे चार्ज नहीं किया जाता, वो किस पे चार्ज किया जाता है? एनीवन वांट्स टू रिप्लाई? इनडायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है? इफ अगर आपका जो क्वेश्चन है, ओके आयुषी वेरी नाइस, श्रेया सेड सप्लाई पे, ओके गुड्स एंड सर्विसेज, तो भारती भारती है ना, तो भारती सेड वेरी नाइस कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी जो है वो आपका चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो इट्स अ कंबाइंड आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नॉट गुड्स और इट्स नॉट ओनली सर्विसेज, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा मैं भी इसके फॉर्मेट के बारे में भी आपसे एक बार बात कर लूंगी, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, हम उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो जहां तक मुझे भी उम्मीद है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, एमसीक्यू ज्यादा होते हैं, है ना, तो वहां पे आपसे ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप एक पेज पे नोट डाउन कर लें, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो अभी के अभी क्लास में ही बन जाएंगे, है ना। नहीं कस्टम्स मेरे हैंड पे नहीं है, आई हैव ओनली फोर टॉपिक्स, जो मैंने आपसे बोला कि आपके जो स्टडी नोट के फर्स्ट फोर टॉपिक्स हैं, स्टडी नोट वन टू लेके स्टडी नोट फोर, ओनली आई विल कवर दोस, ठीक है। तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो टैक्स है वो जो बर्डन है टैक्स का वो बॉर्न किया जाता है पर्सन, जो पर्सन है उस वही बियर करता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर होता है कि आप उस बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर, होलसेलर से जो डीलर है उसके पास आया, डीलर से फिर अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो बॉर्न करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। पंकज नो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको एक बार एनआईआरसी से बात करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आप जो मिस आई थिंक सो संतोष पांत जी हैं उनसे इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे किसी ने बोला था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और मैंने कई बार देखा है कि इन्होंने प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव को बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ेगा, वेरी क्लियर, है ना। कि अगर मैं अभी 7 लाख अर्न कर रही हूँ तो मैं एक डिफरेंट स्लैब में आ जाऊंगी, अगर मैं 3.5 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ तो मैं डिफरेंट स्लैब में आ जाऊंगी, और हो सकता है कि मुझ पर टैक्स भी ना लगे एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट, है ना। तो वो होता है कि प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम के साथ साथ आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ेगा, वेरी नाइस, वेरी क्लियर। रिग्रेसिव नेचर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी जो है वो हमारा रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वॉशिंग मशीन परचेज करने के लिए जाती हूँ, ठीक है, और मैंने मार्केट में पूछा तो इट समथिंग अराउंड 30,000 की है वो, है ना, और जो मेरी सैलरी है वो भी मेरी 50,000 है, तो मुझे उसके ऊपर जो टैक्स देना है वो बर्डन पास हो जाते हैं, वेरी नाइस। वॉशिंग मशीन के ऊपर जो टैक्स है वो मैं कंसिडर कर रही हूँ 18%, ठीक है। तो मैं 50,000 अर्न करती हूँ और मैं 18% टैक्स पे करके जो 30,000 की मशीनरी है वो मैं लेके आ जाती हूँ, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा अब मैं कहती हूँ कि एक पर्सन है जो पर मंथ 2 लाख रुपीज अर्न करता है, मैं पर मंथ 50,000 अर्न कर रही थी, और एक और पर्सन है जो 2 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करता है, वो भी एक सेम ब्रांड की मशीन लेने के लिए जाता है, तो वो भी 18% टैक्स पे करता है और मशीन लेके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इनकम
और चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, लेकिन टैक्स जो है वो आपको, जो टैक्स देते हैं वो आपको सेम बियर करना है ना। चाहे आपकी इनकम 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, अगर टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिसाइड है कि 18% है या 12% है, वो ही आपको बियर करना पड़ेगा। तो दैट्स मीन इट्स इन रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, और ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यूज में आता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। राइट, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसके बाद कहते हैं कि इसमें हमें ना कुछ कुछ जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, या एक्ट है जो हमारा, या सर्कुलर्स ऑर्डर जो हमें इशू होते हैं ना, तो उनके लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए हमें अलग अथॉरिटीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास अलग अथॉरिटीज है। एनीवन वांट्स टू टेल मी वो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? डायरेक्ट टैक्स के लिए हमें कहाँ से जो नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहाँ से आते हैं? वेरी नाइस। तो अदिति एंड भारती सेड कि सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। ठीक है, वेरी नाइस। तो जो सीबीडीटी है वो उसकी वो डायरेक्ट टैक्स को देखता है, और जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वेरी नाइस। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो जीएसटी है, उसके लिए हमें कहाँ से नोटिफिकेशंस वगैरह या अमेंडमेंट्स या एक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है? वो सीबीआईसी से मिलती है। ठीक है, तो ये वेरी नाइस अगर आपको इतना इसके बारे में पता है, क्योंकि अगर आपको कभी भी इन टैक्स के अंदर, आपको इन एक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रेफरेंस बुक्स की जगह इन साइट्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भी आप जब फाइनल में जाएंगे तो वहां पे आपको लॉ इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी अच्छी रीडिंग कहाँ से हो सकती है? जब आप एक्चुअल में एक्ट रेफर करेंगे। राइट, वेरी नाइस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर लिया कि हमारा इनकम टैक्स का पास हो गया। राइट, आई विल शेयर माय नोट्स विद यू। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अगर आप ये नोट्स खुद से बनाएंगे ना, तो आपको याद भी हो जाएगा, और आप इसमें से अपने काफी सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है वो जीएसटी, कस्टम, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह, हमारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके सिलेबस में है, दैट इज जीएसटी और कस्टम्स है ना। तो मैं जीएसटी का कुछ पार्ट, जो 50% पार्ट है, वो आई विल कवर, और जो रेस्ट 50% है जीएसटी एंड कस्टम्स, दैट विल बी कवर्ड बाय दी अदर फैकल्टी। तो दैट वाज वेरी वेरी बेसिक अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी की। अब व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? कोई भी मुझे बताएगा इसके कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे? आई एम वेटिंग। ओके, अभी मोर देन 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो निशांत से कि इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, वेरी नाइस पंकज, वेरी नाइस अदिति। और तीन चार प्रिंसिपल्स हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, डेस्टिनेशन हो गया, कंजम्पशन बेस्ड हो गया, वेरी नाइस। और कुछ लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी नाइस पुष्पम, आई थिंक सो, है ना। अब सॉरी इफ आई एम पर जो आपका नेम, अगर मैं गलत प्रनाउंस कर रही हूँ। ओके, समीता सर, इट्स वन नेशन वन टैक्स, वेरी नाइस। एंड वैल्यू एडिड टैक्स, ओके, वेरी नाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स हैं, ग्रेट। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, नो कास्केडिंग इफेक्ट, वेरी नाइस। आपको इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, आई मस्ट से, बर्डन बोर्न बाय द फाइनल पर्सन, अल्टीमेट कंज्यूमर, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपको काफी कुछ इसके बारे में नॉलेज है। तो अभी हम इट रिप्लेस सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, भावना बंसल, ओके, माय नेम इज ऑल्सो भावना, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या है, अब हम बात करते हैं, जैसे भावना का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि इट रिप्लेसेस सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको हम बोलते हैं जो जीएसटी है इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है? क्योंकि इसमें काफी सारे जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस कर दिया है ना। जैसे कि आई से हमारा एक्साइज ड्यूटी होता था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, फिर वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स हम जिसे बोलते थे। वैल्यू एडिड टैक्स इज व्हाट बेसिकली आपका, जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते थे, एक स्टेट से एक ही स्टेट के अंदर गुड सप्लाई करते थे, तब हम वैट चार्ज करते थे। फिर सीएसटी होता था, जिसके अंदर क्या होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था। ठीक है, तो
उसको भी इसने रिप्लेस कर दिया। देयर आर सो मेनी टैक्सेस, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो मेजर भी मैं जो बात कर रही हूँ कि हमारा एक्साइज हो गया, वैट हो गया, सीएससी हो गया, अदर टैक्सेस हो गए, वो सारे के सारे उन्होंने रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जस्ट रिमेंबर द वर्ड, यू कैन जस्ट मेक अ नोट, वन पॉइंट इज इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। इससे पहले कि अगर मैं नोट्स अगर बनाने बैठूं, अगर मैं स्टूडेंट होती और आपके जैसे नोट्स बनाती, तो मैं सबसे पहले लिखती कि इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, सेकेंड इज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी नाइस। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन, वेरी नाइस जतिन। ये भी हम थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको हम अभी लास्ट बाद में लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जो है यहाँ पे हमने यूज किया है। अच्छा, आप लोगों को वर्ड फाइल दिख रहा है? एक मैंने पीडीएफ फाइल अपना शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा है वो सबको? ये सुनो एक बार, ये ठीक है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये टर्म हमें क्लियर हो गई। उसके बाद आता है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जीएसटी है वो किस पे चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। और कब चार्ज किया जाता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है इसका? सप्लाई है। सप्लाई क्या है ये हम सेक्शन 7 के अंदर रीड करेंगे। ठीक है, रॉ फॉर्म में मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पुराने सिस्टम में क्या होता था, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था उसके अंदर होता था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे तो हम एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते थे, फिर जब हम उसको मार्केट में सोल्ड करते थे तो हम वैट और सीएसटी चार्ज कर लेते थे। ठीक है, अगर हम कोई सर्विस दे रहे थे तो प्रोविजन ऑफ सर्विस होता था, तो हम सर्विस टैक्स चार्ज कर लेते थे। तो हमारे पास सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेस होते थे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो चलो जी एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर लो, सेल हो रहा है तो वैट और सीएसटी कर लो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होते थे। तो उन सबको हटा के यहाँ पे सिर्फ एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, विच इज नॉन एज सप्लाई। कि अगर सप्लाई हो रही है एज पर सेक्शन 7, तो जीएसटी आपका बनता है उस सप्लाई के ऊपर, और आपका जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे जीएसटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब हमारा क्या है? सप्लाई। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स क्या है ये एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और ये भी आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जीएसटी इज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? ठीक है, तो जो हमारा पुराना सिस्टम था, जो जीएसटी है वो पुराने सिस्टम का एकदम ऑपोजिट है, एकदम रिवर्स्ड है। ठीक है, पुराने सिस्टम में क्या होता था कि जो टैक्स था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओरिजिन बेस्ड क्या होता है और डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे, मेरे बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं वही आपसे आपसे शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्वराज मजदा लिमिटेड जो है, जो ट्रैक्टर एंड बसेस बनाती है, आपने सुना होगा उसके बारे में ना, उसका जो प्लांट है वो रोपड़ पंजाब या हरियाणा में पड़ता है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एसएमएल, वो ट्रैक्टर और बसेस बनाती है पंजाब में। ठीक है, तो पुराने सिस्टम की भी मैं बात कर रही हूँ, तो पुराने सिस्टम में क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एसएमएल ने 10,000 बसेस या ट्रैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, तो जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, उसका रेवेन्यू, पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता था। राइट, तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड टैक्स, कि आपने जिस स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता था, वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करती थी, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ठीक, लेकिन जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज इट बिकम्स डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अब इसका मतलब ये है कि जिन स्टेट के अंदर वो 10,000 बसेस और ट्रक्स ट्रैक्टर्स जाएंगे, जिन भी स्टेट्स के अंदर जाएंगे, वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी, वो स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो जहां पे भी गुड्स एज वेल एज सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, जिन स्टेट्स में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में स्पेसिफिकली, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। वेरी नाइस, नेक्स्ट इज
जो जीएसटी है दैट इज ड्यूअल जीएसटी, इसका मतलब क्या है? रिपीट मैम, निशांति सिंह रिपीट मैम, इससे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स पर क्या इफेक्ट हुआ? पंकज ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, है ना, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो भी मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ सबको। ये बोल रहे हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, एक बार मैं फिर से बता दूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, निशांत, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के अंदर होता है कि जिन स्टेट्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए गए हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाब में हूँ और आप बैठे हैं दिल्ली में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने मुझसे कुछ बसेस ऑर्डर किए, आपने कहा कि मुझे 5 स्कूल बसेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको जो डिलीवरी है 5 बसेस की, वो मैं आपको सितंबर तक दे दूंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग मैंने पंजाब में की है, मेरा प्लांट पंजाब के अंदर है, लेकिन जो 5 बसेस है वो मैंने डिलीवर की है दिल्ली में। तो जो मैं दिल्ली में डिलीवर कर रही हूँ, तो टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है? तो जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं, वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कि जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि जैसे पंजाब में मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ बस या ट्रैक्टर्स की, तो पंजाब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। दैट वॉज ओरिजिन बेस्ड है, कि जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का ओरिजिन हुआ है, जहां पे वो ओरिजिनेट हुई है। तो ये सिस्टम अब खत्म हो गया है, ओरिजिन बेस्ड वाला। अब हमारा जो सिस्टम है दैट इज कंजम्पशन बेस्ड है, कि जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज। मैम, इज दिस द फर्स्ट लेक्चर? आई थिंक सो। अगर आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की है तो मेरे ख्याल से दिस इज फर्स्ट, ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इज क्लियर। नेक्स्ट इज ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी क्या है, ये टर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? ड्यूअल टैक्स मीन्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके? और कुछ कोई मुझे बताना चाहेगा? जो जीएसटी है, जैसे काफी सारी कंट्रीज के अंदर जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सो इट्स मोर देन 160 कंट्रीज हैं जहां पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रखा है। उसमें से 3 कंट्रीज ऐसी हैं, लाइक ब्राजील हो गया, और आई थिंक सो फ्रांस भी है, और इंडिया। इन 3 कंट्रीज के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, दैट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल जीएसटी मॉडल के ऊपर। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे भारतीय सेट की लेविड बाय द सेंटर एंड द स्टेट, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ड्यूअल जीएसटी का मतलब होता है कि जो टैक्स है, जीएसटी जो टैक्स है, उसको चार्ज करने की और या लेवी करने की पावर, दो जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? सेंटर को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर 18% का टैक्स चार्ज होता है। अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो आपने कभी इनवॉइस में देखा होगा कि 9% 9% करके हम दिखाते हैं। तो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे दो गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को एम्पावर किया गया है कि वो टैक्स चार्ज कर सकती हैं और कलेक्ट कर सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैनेडा। एग्जैक्टली, तो फ्रांस नहीं है, दैट इज कैनेडा, राइट? तो 3 कंट्रीज जो है ड्यूअल जीएसटी मॉडल के ऊपर है, वन इज ब्राजील, सेकेंड इज कैनेडा, एंड थर्ड वन इज इंडिया, ठीक है? तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल जहां पे एम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो जीएसटी चार्ज कर सकती है। बाकी कंट्रीज के अंदर है अपना यूनिफाइड सिस्टम है। यूनिफाइड सिस्टम क्या होता है, कि जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वही जीएसटी चार्ज करती है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यूनिफाइड सिस्टम एंड ड्यूअल जीएसटी मॉडल में? फ्रांस नहीं है, सो इट्स 3 कंट्रीज ओनली, आई सेड ब्राजील, कैनेडा एंड इंडिया। फ्रांस फर्स्ट इंट्रोड्यूस द जीएसटी मॉडल, फ्रांस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, वेरी नाइस। बट उनका जो सिस्टम है वो यूनिफाइड सिस्टम है, ठीक है? और जो सिर्फ 3 कंट्रीज में आपको बता रही हूँ, यहाँ पे अभी ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, राइट? बाकी अगर कुछ करेक्शन होगा तो भी नीचे देख लेंगे, नोट्स में मेंशन होगा। दिस इज क्लियर, ड्यूअल जीएसटी मॉडल एंड यूनिफाइड सिस्टम आपको आई थिंक सो क्लियर होगा। उसके बाद आता है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि पुराने सिस्टम में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, याद है आप सबको? यस और नो, यस और नो?
यस, उसके अंदर आपको याद है कि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे? याद है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे ना, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रूल्स अलग है, एक्ट अलग है, बहुत सारी कैलकुलेशंस, ऑल ये सब हम करते थे। लेकिन जीएसटी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है? उन्हें बोला है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या कंसिडर करना है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज अ आईजीएसटी। आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जैसे आपने ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब हम गुड्स या सर्विसेज देते हैं, तब भी हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। जब हम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, तब भी हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। और अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करें, तब भी हम आईजीएसटी ही चार्ज करेंगे। तो हमें उसे सिंपल एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के जैसे ही डील करना है इन जीएसटी। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, है ना? जब हम, और नॉर्मल तो सिनेरियो है ये अपना कि अगर हम एक स्टेट में ही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करें, तो हम इंटर स्टेट चार्ज, उसे हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो हमारी कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज लगती हैं। तो वो अभी तक है कि वो पहले चार्ज की, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो आपकी चार्ज की जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आपका जो आईजीएसटी है वो चार्ज किया जाएगा, राइट? तो दिस इज, ये भी ओके हो गया कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पुराने सिस्टम में ना बहुत सारे टैक्स रेट्स थे हमारे पास, कि स्टील के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, क्लोथ्स के लिए अलग, हर चीज के लिए ना कुछ अलग अलग टैक्स इंट्रोड्यूस किया कर रखे थे। तो अब यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी करी है कि उन्होंने जो हमारे मेजर मेजर टैक्सेस हैं वो 6 कैटेगरीज हैं। तो 4 कैटेगरीज अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किए हुए हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये 4 टैक्स रेट्स जो हैं, हम ये गुड्स पे भी चार्ज करते हैं और ये हम सर्विसेज पे भी चार्ज करते हैं, ठीक है? तो जो 5% वाला है वो वेरी बेसिक वाला है, जिसमें हमारी नेसेसिटी वाली आइटम्स उन्होंने कंसिडर की हैं, ठीक है? 28% वाला जो है वो अभी हमारा लग्जरी वाला है, ठीक है? कि जैसे कि अगर हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह परचेज करने जाने हैं, कार्स परचेज करने जाने हैं, टीवी परचेज करने जाना है, तो वो सारा का सारा 28% के अंदर फॉल करता है। अगर आपको अब ये वाली लिस्ट देखनी है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर ये रेट चार्ज किए जाते हैं, तो आप नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपसे शेयर कर लूंगी इफ यू वॉन्ट, या आपकी बुक में भी होगा। और इन सेम मैनर सर्विसेज के लिए आई थिंक सो 11 या 12 है नोटिफिकेशन, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेजर 4 रेट्स हमारे हो गए जीएसटी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हो गया, प्रिशियस डायमंड, प्रिशियस स्टोन्स हो गए एंड डायमंड्स के लिए, उनके लिए अलग रेट है। उनके लिए 0.25, और अभी वो एक बार मैं देख लेती हूँ, 0.125 करके ऐसे 2 रेट्स और हैं, ठीक है? तो ये हमारे मेजर जो है वो 4 रेट्स ये वाले हैं, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है? तो इन्हीं रेट्स में हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको चार्ज करना है। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे किसी के स्टूडेंट ने पूछा था, हाँ जी, 3% हो गया, और 1.5, 1.5 एंड आई थिंक सिर्फ 0.25% है ना? राइट, 0.25% है। नेक्स्ट इज, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जब ओरिजिन बेस से, जो हमारा पुराना सिस्टम था वो ओरिजिन बेस था, फिर हमने जंप किया कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के ऊपर, तो कुछ स्टेट्स को लॉस हुआ था, वो लॉस कैसे हुआ था, उसकी एक मैं छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगेन, मैं आपसे वो लाइव एग्जांपल ले रही हूँ, स्वराज मजधा लिमिटेड का, ठीक है? तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पंजाब के अंदर है, वहां से वो सारा अपना बसेस बनाती हैं और ट्रैक्टर्स बनाती हैं, ठीक है? तो पहले अगर फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 बसेस बना रहे थे, ठीक है, पूरे साल के अंदर आई विल टेक 1 लाख वो बसेस बना रहे थे, ठीक? उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ कि जो 1 लाख के ऊपर टैक्स बनता था वो कौन कलेक्ट करता था? वो कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट, जो पंजाब, जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था तो पंजाब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, है ना? अब मैं इसमें यहाँ पे अमाउंट ले लेती हूँ कि
फॉर एग्जाम्पल इसमें जो टैक्स बनता था वो 20,000 रुपए का टैक्स बनता था पूरे साल का, तो स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसको 20,000 रुपए कलेक्ट हो जाते थे, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता था। लेकिन जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ कि अब 20,000 रुपए जो है टैक्स के वो पंजाब गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कि जहां पे भी अगर अब मेरी 1 लाख बसेस 10 स्टेट्स के अंदर जा रही हैं तो उन 10 स्टेट्स का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, वो स्टेट्स जो हैं वो टैक्स कलेक्ट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, राइट? दिस इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसकी वजह से क्या हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट को लॉस हुआ 20,000 रुपए का, मैं तो बहुत छोटा सा अमाउंट ले रही हूँ, है ना, अदरवाइज जो एक्चुअल लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट को 20,000 का लॉस हुआ, तो अब इसको कॉम्पनसिएट करना था, है ना। तो इसके लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट पास करवाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन टू स्टेट टैक्स एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कॉम्पनसेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जिन स्टेट्स को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ओरिजिन बेस से कंजम्पशन बेस टैक्स में हम आए, और जिन स्टेट्स को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, उन स्टेट्स को कॉम्पनसिएट किया जाएगा, ठीक है, उन स्टेट्स को कॉम्पनसिएट किया जाएगा। और कब तक किया जाएगा? 5 ईयर्स तक, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उन्हें कॉम्पनसिएट किया जाएगा उन स्टेट्स को। उसकी कैलकुलेशन अलग है, तो आई थिंक सो वो आपका या तो फाइनल में है कॉम्पनसेशन एक्ट, तो वहां पे है, आपकी अभी इंटरस्टेट 2 में नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अब इतना जान लेना काफी है इसके लिए कि जिन स्टेट्स को लॉस हुआ जीएसटी इंट्रोडक्शन होने की वजह से, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। और वो जो पेमेंट है उनको क्वार्टरली पे कर दी जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? वेरी नाइस। अच्छा, ये चीज अब हमें क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसा था कि जब हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो अगर आपको लोगों को याद हो तो काफी सारे आइटम्स ऐसे थे जिन पे अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि जो खास करके हैवी रेवेन्यू जनरेट करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, लाइक जैसे कि अपना पेट्रोल, एविएशन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारा लिकर हो गया, तो ये सारा जो हैवी ड्यूटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन पे हैवी टैक्स रेट चार्ज किया जाता है, तो इनको अभी जीएसटी के दायरे में लाया नहीं गया है, इनको अभी थोड़ी टाइम के लिए बाहर रखा गया है। तो उसका रीजन क्या है ना? तो जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े और जो मैंने गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे, मैम जीएसटी की भी लूप होल्स हैं। हाँ जी, जीएसटी के भी लूप होल्स हैं, बट अभी हम उस पर बाद में फोकस करेंगे, अभी पहले हम जीएसटी समझ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद में आप ही मुझे इवन बता देंगे कि इसके क्या लूप होल्स हैं, मुझे आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं आपको एक और सेकंड स्टोरी सुनाने वाली हूँ इसके रिगार्डिंग, जो हमारा ये 5 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी में नहीं लाया गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एग्जैक्टली? क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया। इन सबको मैम बता रही हूँ, मैम ये क्या होता है? सोनिया, IMQI बता रही हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बता रहे हैं कि लूप होल्स हैं जीएसटी में। हाँ जी, वो हर एक टैक्स के अंदर लूप होल्स होते हैं, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेट्रोल है ना, पुराने सिस्टम के अंदर उसमें हैवी ड्यूटीज पे की जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जीएसटी में वो आ जाता तो सबसे पहली बात तो एक तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हो जाता कि जिस भी स्टेट के अंदर वो पेट्रोल कंज्यूम किया जाएगा वो स्टेट कलेक्ट करेगी, तो ओरिजिन वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा कि टैक्स का रेट जो है वो इतना हाई है कि सारा का सारा रेवेन्यू जो है दूसरी स्टेट को चला जाएगा, तो जो ओरिजिनेट वाली स्टेट्स थी उनको तो हैवी लॉसेस हो जाती है ना। तो इसीलिए अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन जो आइटम्स हैं, ये जो 5-6 आइटम्स हैं, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इनका रेट ऑफ टैक्स अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसको किस टैक्स ऑफ जो रेट है हमारे, जो मैंने आपसे 4 रेट डिस्कस किए, 5%, 12%, 18% एंड 28% वाला, हाँ, कि इसको कौन सी रेट के, कौन सी टैक्स रेट के अंदर रखना है। तो अगर रखा जाएगा या तो ये 28% वाले में रखा जाएगा हैवी टैक्स रेट के अंदर, या
जो एक्सपेक्टेड है, जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, ठीक है, वहां पे उन्होंने बताया है कि जीएसटी के अंदर जो मैक्सिमम रेट है टैक्स चार्ज करने का, दैट कैन बी 40%। अभी लाइक जैसे 28% है मैक्सिमम, बट जीएसटी के अंदर एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 दे हैव मेंशन कि 40% तक आप टैक्स को लेके जा सकते हैं। तो ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जब इन 5-6 लाइन आइटम्स को जीएसटी में डाला जाएगा, जब इस पे जीएसटी चार्ज करेगा, तो हो सकता है कि इन पे जो टैक्स है वो 40% के अराउंड चार्ज किया जाए, ठीक है। मैम 28 में लग्जरी गुड्स हैं, बट ये सारे लग्जरी गुड्स नहीं है। हाँ जी, ये लग्जरी गुड्स नहीं है, बट ये हैवी ड्यूटी वाले गुड्स हैं। तो जहां तक हमें एक्सपेक्टेशंस है कि ये 28% में भी नहीं रखेंगे, इसको जो रेट परसेंट दिया जाएगा वो 40% दिया जाएगा, ठीक है। तो मींस 20% इन सीजीएसटी एंड 20% इन एसजीएसटी, दैट टोटल कम्स टू 40%, राइट। तो जीएसटी के अंदर अभी भी इन पे सेल्स टैक्स लगता है। हाँ जी, अभी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ चंचल। तो 40% जो है हमारे जीएसटी के अंदर मैक्सिमम रेट है। अगर आपको 40% से ज्यादा का टैक्स चार्ज करना है, लाइक 50%, 60%, 70% आप इन गुड्स के ऊपर चार्ज करना चाहते हो या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि इनको अगेन एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा एक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो जो ये इनका बिल होता है लाइक राज्यसभा लोकसभा में जो पास करते हैं, वो इनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है 40% इज मैक्सिमम। दूसरा, चंचल ने मुझे एक और पॉइंट बोला कि मैम इस पे अभी भी सेल्स टैक्स लगता है। हाँ जी, तो अभी भी क्या है कि जो डीलर्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं, वो अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट या सीएसटी जो है इन गुड्स के ऊपर पे कर रहे हैं, और वो अपनी पुरानी वाली रिटर्न्स ही फाइल करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जीएसटी के अंदर। उसके बाद आता है टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के अंदर आते हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स रेट है आई थिंक वो 28% चार्ज किया जाता है, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आते हैं, उस पर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, लेकिन जीएसटी के साथ साथ इस पर हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी, एसएस तो चार्ज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टबैको प्रोडक्ट्स में आप ये चीज याद रखिएगा, आप इसे कंसिडर मत कर लेना कि ये नॉन जीएसटी सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आते हैं, और इसके साथ साथ जीएसटी के साथ साथ हम इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी पे करते हैं, राइट। ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये फिर हमने कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स के रिगार्डिंग बात की थी। ये जब आप रजिस्ट्रेशंस पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे आपको डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का एक बेसिक फीचर ये भी था हमारा कि अगर मेरा जो टर्नओवर है ना, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर, और मेरा अगर टर्नओवर 20 लाख, ये इनिशियल था 20 लाख एंड 10 लाख वाला, ठीक है, 20 लाख इन जनरल कैटेगरी स्टेट एंड 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारी थी जैसे कि जो नॉर्थन ईस्टर्न की स्टेट्स हो गई वो, और ये हिमाचल, ठीक है। ये सारा का सारा इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाला था। तो बोला था कि अगर जो डीलर है जनरल कैटेगरी स्टेट के या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के, अगर उनका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से एक्सीड कर जाएगा, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना इज मैंडेटरी, उनके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और जो मेरा साल का एग्रीगेट टर्नओवर है दैट इज लेस देन 20 लाख और 10 लाख, तो मुझ पे मैंडेटरी नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं, ठीक है। ये थी हमारे जब हमारा जीएसटी इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद इन्होंने इन लिमिट्स को चेंज किया है। अब जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए उन्होंने लिमिट्स बताई है, दैट इज 20 लाख एंड 40 लाख एंड 10 लाख एंड 20 लाख। तो ये वाला जो डिटेलिंग पार्ट है वो आप रजिस्ट्रेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समराइज करके बता दिया। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉम्पोजिशन स्कीम है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आई सी एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये बेसिकली जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। ये स्कीम के अंदर क्या होता है कि आपको रिटर्न्स मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल जो हमने ऊपर पॉइंट नंबर 12 में पढ़ा, वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए थे। तो
नॉर्मल टैक्स पेयर के पास ना बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं जीएसटी में पूरे करने के लिए, लाइक उसको मंथली रिटर्न फाइल करनी है, अगर उसने क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर रखा तो उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, फिर मंथली टैक्स रिटर्न मंडेटरी है कि उसे मंथली ही फाइल करनी है, ठीक है, चाहे उसका टर्नओवर, चाहे उस मंथ में उसका कोई बिजनेस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हाँ, तो वहां पे उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है, फिर एनुअल रिटर्न भी उसके लिए जरूरी है। तो मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो है उसको पूरे साल में इंक्लूडिंग एनुअल रिटर्न 26 रिटर्न जो है जो उसको फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मेरा बिजनेस इतना ज्यादा नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि मैं नॉर्मल टैक्स पेयर में ना जाके, क्योंकि फिर मुझे कंसल्टेंसी फी भी पे करनी पड़ेगी, मैं खुद तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकती हूँ, मेरे को किसी कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा, मुझे किसी कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। सो मैं ये करती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लेती हूँ। तो कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, ठीक है। ओके, यहाँ पे श्रव्य सिंह मैम, नंबर इन इंग्लिश प्लीज। ओके ओके ओके, राइट राइट, ठीक है। इफ यू वॉन्ट मैं आई कैन डिलीव द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आई कैन यूज बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल चंचल, इट इज मैंडेटरी इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर यूर सेल्फ एज अ कॉम्पोजिशन डीलर, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो मुझे ही कवर करना है, तो वो हम सेक्शन 10 लेटर ऑन कवर करेंगे। तो अभी इसका बेनिफिट ये था, कॉम्पोजिशन एक स्कीम ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको नॉर्मल टैक्स पेयर में नहीं जाना है तो आप अपने आपको एज अ कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिसकी लिमिट उन्होंने बताई है, अगेन इट इज 1.5 करोड़ फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टेट एंड 75 लाख की जो लिमिट है फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए, ठीक है। तो इसको बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉम्पोजिशन करेंगे। तो अतुलित सिंह, रजिस्ट्रेशन करते टाइम कॉम्पोजिशन, हाँ जी हाँ जी, हमें तभी लेना होता है ये, ठीक है। तो ये हमें तभी लेना होता है, ये हम कॉम्पोजिशन करते हुए मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट इज नॉट माइंड, बट जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम करेंगे मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद है कि हमारे पास ना ऐसे, जैसे हमने पढ़ा कि जितने भी गुड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 1 के अंदर कि भाई 5% चार्ज होगा, 12%, 18%, 28% चार्ज होगा। लेकिन जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज वाले गुड्स हैं लाइक मिल्क कर्ड और ये फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है ना, तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारी 101st अमेंडमेंट जो, वहां पे मेंशन किया हुआ है कि ऐसे कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको डिफाइन किया गया है कि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज होंगे। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है ये भी ऑल्दो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं कि उनके ऊपर टैक्स रेट होता है हमारा, पेरिशेबल गुड्स नो, ऐसा नहीं है। एग्जेम्प्टेड गुड्स हम या गुड्स एंड सर्विसेज हमारे क्या होते हैं कि उनके ऊपर टैक्स रेट डिफाइन है एक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फ्रेश वेजिटेबल ये हो गए और फ्रूट वगैरह हो गए, फिशेज हो गए, मीट हो गया, इनके ऊपर 5% रुपीज का 5% का टैक्स है, ठीक है। लेकिन एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं सारे गुड्स और सर्विसेज, उन्होंने बताया रखा है उस नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से गुड्स हैं, बट दे आर जीरो रेटेड। नो, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, मैं ये 4-5 टर्म्स हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स रेट होता है लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू उनको एग्जेम्प्ट किया होता है कि आपको ये टैक्स जो है 5% का या 12%, 18%, 28% का, वो आपको पे नहीं करना है, वो हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं डेफिनेशन 4-5 जो है कंफ्यूज करती है वो मैं भी इसके बाद ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट वुड बी जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि जो हमारा एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट जो है दैट विल बी कंसिडर एज अ जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है ये भी हम अभी डेफिनेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक और चीज, अगर जो हम अपने क्या कहते हैं सप्लाई दे रहे हैं या सप्लाई ले रहे हैं फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ एक्सपोर्ट। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हम उन्हें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के जैसे ही कंसिडर करते हैं, और उसे भी हम जीरो रेटेड ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर कि जीएसटी के अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
तो जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जीएसटी काउंसिल का पर्पस क्या है, दैट वी विल डिस्कस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीएसटी काउंसिल का. उसके बाद आता है जीएसटीएन. जीएसटीएन मीन्स की गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क. ये जो जीएसटीएन है उसने एक, मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आ गए. तो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद जीएसटी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया, मुझे ना किसी का आवाज आ रहा है, इन्फोसिस को दिया था. हाँ जी बिल्कुल. तो जो इन्फोसिस है उसने ये सारा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है. ठीक है, कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हम दोनों को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू वन प्लेटफॉर्म. नहीं तो पहले क्या होता था, क्या तो मुझे वैट या सीएसटी या मुझे सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती, तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते थे. ई सेंटर के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, वैट के लिए अलग, सीएसटी के लिए अलग, है ना, ये सारा होता था. लेकिन अब क्या है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अप्रोच करना है, सिर्फ जीएसटी साइट को अप्रोच करना है. ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से जीएसटीएन नेटवर्क बनाया हुआ है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. ठीक है, आके तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वैल्यू एडेड प्रिंसिपल. ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्रिंसिपल इसका क्या है मैम, ये जो पीडीएफ जो आपके पास है, हम कैसे कैसे मिलेगा? ये भी मैं आपसे, आपको ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ अपना, वहां पे आई विल शेयर, है ना. नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड प्रिंसिपल. ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट भी था वैल्यू एडेड प्रिंसिपल का. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था कि जितना वैल्यू एडिशन किया जा रहा है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अंदर, उसी के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा. जैसे कि क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिस्किट बनाती हूँ. ठीक है, तो उसका जो मैं रॉ मटेरियल वगैरह लेके आई, रॉ मटेरियल बना के मैंने उसे बिस्किट बना दिया. ठीक है, तो उसकी कॉस्ट मैंने डिसाइड की 100 रुपीज, राइट. फिर मैंने उसके बाद सेकंड, तो यहाँ पे जो 100 रुपीज मैंने उसका प्राइस डिसाइड किया बिस्किट का बनने के बाद, वो 100 रुपीज तो जो टैक्स है अब मुझे किस पे देना है, 100 रुपीज पे देना है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर एक उसको सेकंड स्टेज के लिए भेज दिया, जहाँ पे वो रैपर, उसका रैपर करते हैं या उसकी पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दिस इज सेकेंड स्टेज. तो यहाँ पे अब जो वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन क्या हुआ, वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी चीज को चेंज कर देते हैं, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो चेंज हो जाता है. लाइक बिस्किट बनाने के लिए मुझे दो तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जैसे कि आटा चाहिए था, चीनी चाहिए था, मैदा चाहिए था, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स थे, है ना, वो सब मैं लेके आई रॉ फॉर्म के अंदर. ठीक है, उसको मैंने बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. ये मेरा वैल्यू एडिशन था कि मैंने रॉ फॉर्म में जो मैं मटेरियल लेके आई थी उसको मैंने बिस्किट बना दिया. ठीक, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डिसाइड हुई 100 रुपीज, तो यहाँ पे 100 रुपीज के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगी. फिर ये वाला मैंने जो प्रोसेस था सेकंड स्टेप के लिए भेज दिया, कि यहाँ पे अब वो पैकेजिंग करेंगे, रैपर वगैरह करेंगे उसके लिए. तो ये सेकंड स्टेप है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन. तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो रैपर वाला कॉस्ट था वो 70 रुपीज का था, तो अब जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, वो 70 रुपीज पे किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 100, क्योंकि 100 पे हम ऑलरेडी टैक्स पे करके आ चुके हैं. ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट. किस तरीके से मिलेगा, तो वैल्यू एडेड, जब भी हम कोई वैल्यू एडिशन करेंगे तब हम टैक्स चार्ज करते हैं, तभी टैक्स चार्ज किया जाएगा. और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी ये वाला टॉपिक मैं टच नहीं करूंगी, जब हम सेक्शन 16 रीड करेंगे तब मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी. मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन वैल्यू एडेड प्रिंसिपल. ओके, तो वैल्यू एडेड प्रिंसिपल में देखो क्या होता है कि जब भी कुछ वैल्यू एडिशन किया जाएगा किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अंदर, तभी आप जीएसटी चार्ज करेंगे उस वैल्यू एडिशन के ऊपर. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रॉ मटेरियल लेके आई, ठीक है, तब मैंने एक बार टैक्स पे किया होगा. जब मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी, जब मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगी बिस्किट्स के अंदर या कुछ भी मैं आइटम बना रही हूँ, तो उसकी मैंने फॉर्म चेंज कर दी है. रॉ मटेरियल था, आटा था, चीनी था, उसको मैंने कन्वर्ट करके बिस्किट बना दिया. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. तो ये जो वैल्यू एडिशन किया मैंने 100 रुपीज का, इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है. अगेन इसके बाद मेरा दोबारा वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या, कि मैंने पैकेजिंग करवा दी, तो अब जो पैकेजिंग की कॉस्ट है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, तो मुझे 50 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करना है. ठीक है, और उसके बाद मैं अल्टीमेट कंज्यूमर को सोल्ड कर दूंगी, दैट्स इट. तो जितना भी हम वैल्यू एडिशन करेंगे किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अंदर, तब मुझे जीएसटी चार्ज करना है, तब मुझे जीएसटी पे करना है. ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं भी छोड़ रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द इस लिंक को मैं, लिंक्स वगैरह मैं सारे बाद में देखूंगी, अभी आई विल नॉट चेक.
तो एक बार ये एग्जाम्पल मैं आपसे जो वैल्यू एडिशन वाला है ये आपकी ही बुक का है, ये एक बार मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखे हैं। यहाँ पे देखो मैंने ओल्ड सिस्टम में डिफरेंशिएट किया हुआ है और न्यू सिस्टम में डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बेस प्राइस पुराने सिस्टम में मैं बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा आपने ये भी सुना होगा जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं जी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं जी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी जीएसटी जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो यहाँ पे उसका आंसर है बेसिकली, ठीक है। तो पुराने सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट था एक्स वाई जेड, उसका बेस प्राइस वॉज 100 रुपीज, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी हम चार्ज करते थे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो दैट वाज 12%। फिर टोटल वैल्यू हो गई 112। अच्छा अब हम सेल सेल करते थे या तो हम सीएसटी चार्ज करते थे या हम वैट चार्ज करते थे। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो मैंने वैट का लिया है। वैट होता था हमारा 12.5% का, तो वो इस पे बना 14%, और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया वो 126 हो गया। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। कास्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है कि हम एक जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स, फिर जब मैं वैट चार्ज कर रही हूँ तो वो मैं किस पे चार्ज कर रही हूँ, 112 पे चार्ज कर रही हूँ, और 112 जो है दैट इंक्लूड्स टैक्स पार्ट ऑल्सो, तो दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। मैं डबल टैक्सेशन कर रही हूँ, तो हमें इस इम्पैक्ट को हटाना था। तो इसकी वजह से क्या होता था, पुराने सिस्टम में हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती थी, है ना। तो अब जैसे ये 126 का प्रोडक्ट है, मैंने आगे सोल्ड कर दिया, उसने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर उसने, तो उसने एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर दी होगी। तो अब वो अगेन उस प्रोडक्ट में फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करने के बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो 150 रुपीज हो गई, तो वो 150 को आगे बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उसने कहा कि मैं इसे 170 रुपीज में बेचूंगा। तो अब उसने क्या किया, 150 के ऊपर अगेन वो 12.5% चार्ज करेगा। तो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट की प्रोडक्ट थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर सबसे पहली चीज तो देखो क्या हुई कि एक्साइज ड्यूटी आपकी रिमूव हो गई है, तो टैक्स जो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी ड्यू टू टैक्सेशन बढ़ रही थी वो वैसे ही कम हो जाती है। फिर टैक्स रेट यहाँ पे कम है, दैट इज 12%, और यहाँ पे जो प्राइस हो गया वो 112 हो गया, है ना। तो अब मैं अगर ये प्राइस आगे भेजती हूँ 112, तो अगर इसके ऊपर वो कोई वैल्यू एडिशन करेगा तो उसके ऊपर वो टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है, और इसका आगे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये एग्जाम्पल आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये हमने काफी डिस्कस कर लिया है इस पॉइंट में, है ना, कि जो जीएसटी है उसका जो नींव था वो कब रखा गया था, तो इट वाज समथिंग इन 2006 2008 की ये बात है, तब से जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी जीएसटी के अंदर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फाइनली जब हमारे पास एक बिल होता है, बिल को जब पास कर दिया जाता है लोकसभा में देन राज्यसभा में, तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव मेंशन द डेट, पर आप जस्ट गो थ्रू कर लेना इन केस अगर आपसे कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। तो लोकसभा में जो बिल था वो 29 मार्च 2017 को पास हुआ था, राज्यसभा में 12 अप्रैल 2017 को पास हुआ था, और उसके बाद ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया था ये बिल, और उसके बाद जो जीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो गया था, इफेक्टिव हो गया था इंडिया में, वो 1 जुलाई 2017 से हो गया था। That's very nice. Okay, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, ओके, सो ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज प्लस हैं जहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिफाइड सिस्टम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर होती है सिर्फ, सो इंडिया और ये जो दो कंट्रीज है वहाँ पे ड्यूअल जीएसटी सिस्टम मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है, जहाँ पे एम्पावर किया गया है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चार्ज दी जीएसटी। ओके, दिस इज नाउ इम्पॉर्टेंट। तो दैट वॉज वेरी जनरल डिस्कशन, ठीक है, जो भी मैंने आपसे किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल आ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों थी। तो आप ये अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, आपके बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको याद है कि जब आप पहले कभी रेस्टोरेंट जाते थे, है ना, तो वहां पे वो आपको फूड सर्व करते थे, मील सर्व करते थे, उसके ऊपर आप टैक्स पे करते थे। कौन सा टैक्स पे करते थे, Anyone wants to tell me? टैक्स है। चैट बॉक्स में दे दो मुझे आंसर। यस,
वरुण सेट सर्विस टैक्स ओके, और कोई टैक्स चार्ज होता था? सर्विस टैक्स ओके वेरी नाइस, और कुछ टैक्स था? सर्विस टैक्स ओके, सब एवरीवन इज सेइंग सर्विस टैक्स। तो आप लोगों ने ना कभी भी रेस्टोरेंट का बिल नहीं देखा है, सो अभी अतुल सेट वैट ओके वेरी नाइस ठीक है, एक्साइज ओके वैट एंड सर्विस। तो चंचल कुमार सेट वेरी नाइस वैट एंड सर्विस टैक्स। तो सब चंचल ने अच्छा से रेस्टोरेंट का बिल देखा है, बाकी किसी ने भी अच्छे से बिल नहीं देखा है। तो उसमें क्या होता था कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो हमसे गुड्स के ऊपर वैट चार्ज कर लेते थे, जो वो खाना बना के देते थे, और जो वो सर्विस हमें देते थे उसके ऊपर वो सर्विस टैक्स चार्ज कर लेते थे। ठीक है, तो हम दो टैक्स वहां पे करके आते थे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, हम तो खाना वाना खा के अपने घर आ गए, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती थी कि वैट के लिए उन्हें अलग फॉलो करना पड़ता था डिपार्टमेंट को, और सर्विस टैक्स के लिए अलग फॉलो करना पड़ता था, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो इन्होंने टैक्स पे करे हैं ना, इसको ये आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते थे कभी भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वैट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, और सर्विस टैक्स के अंदर मुझे आई से 70 रुपीज पे करने हैं, वैट के अंदर मेरे 60 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट पड़े हुए हैं कि बाय मिस्टेक मैंने कभी गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है, 60 रुपीज पड़े हुए थे, एग्जैक्टली क्रेडिट यूज नहीं कर सकते थे, वेरी नाइस चंचल। तो वैट के अंदर मेरा 60 रुपीज ऑलरेडी पड़ा हुआ था, सर्विस टैक्स के अंदर मुझे 70 रुपीज पे करने थे, तो मैं डिपार्टमेंट को बोलती थी कि क्या मैं इनको आपस में सेट कर लूँ, सेट ऑफ कर लूँ, कि 60 से 60 आप सेट ऑफ कर लो और 10 रुपए मैं आपको कैश में पे कर देती हूँ। तो डिपार्टमेंट हमें मना कर देता था कि नहीं जी आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपको वैट का जो 60 रुपए का अमाउंट है वो आपको चाहिए तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। चलो जी हो गया, तो लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, डिपार्टमेंट से रिफंड निकलवाना बिल्कुल भी इजी नहीं था पहले, तो अब थोड़ा इजी हो गया, पहले बिल्कुल भी इजी नहीं होता था। चलो दूसरा, सर्विस टैक्स और वैट को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो मुझे वैट में अलग पेमेंट करनी है और सर्विस टैक्स में अलग पेमेंट करनी है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक पॉइंट मैंने आपसे ये डिस्कस किया। इन अ सेम मैनर क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी और वैट एंड सीएसटी के लिए होता था सेम मैनर, कि अगर एक्साइज ड्यूटी में मेरा कुछ अमाउंट पड़ा है और मेरे को वैट और सीएसटी की पेमेंट करनी है तो भी मुझे कैश में पे करनी पड़ेगी। आपस में इनको हम यूज नहीं कर सकते थे, आपस में हम इनका क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो जितने भी टैक्सेस थे हम उनको आपस में कभी भी सेट ऑफ और यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, वैट और सीएसटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम हम पुराने सिस्टम में फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मेरा अमाउंट होता था, कैश जो मेरा होता था, वो डिपार्टमेंट के पास फंस जाता था। तो अब ये चीज उन्होंने बहुत बहुत इजी कर दी है, और इस टर्म को जो सेट ऑफ करने वाली को टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ उसको हम जीएसटी लॉ में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तो वो हम सेक्शन 16 में रीड करेंगे। तो ये मैंने इसका आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ था सम अप मैंने आपको इस पॉइंट के रिगार्डिंग बता दिया, तो एक बार आप अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करना, हाँ सॉरी बुक के अंदर एक बार आप गो थ्रू करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर ये मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर लूंगी। आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसमें एक और चीज थी कि हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों थी, एक तो सबसे पहली चीज ये हो गई ना कि हमें सेट ऑफ करने को नहीं मिलता था, हम क्रेडिट नहीं यूटिलाइज कर सकते थे। दूसरा चीज क्या होता था कि पुराने सिस्टम में जो बहुत ही बकवास चीज थी कि वो फॉर्म्स थे, फॉर्म्स की लाइक सी फॉर्म, एच फॉर्म, एफ फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स थे, वो सारे मेंटेन करना, ठीक है, उन्हें इशू करना, डिपार्टमेंट से फॉर्म मंगवाना, डिपार्टमेंट भी बहुत लिमिटेड फॉर्म्स हमें इशू करके देता था कि भाई आपको सिर्फ 20 या 25 फॉर्म दे दिया, अगर हमने उनसे रिक्वेस्ट डाली कि हमें 70 या 75 सी फॉर्म चाहिए इशू करने के लिए वेंडर्स को, तो वो हमें उसमें से मुश्किल 25-30 फॉर्म इशू करके देते थे। तो फिर जब मेरे सारे खत्म हो जाते थे मुझे उनका यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता था, और उसके बाद वो मुझे न्यू फॉर्म्स देते थे, तो वो भी सारा एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है ना, तो अब सी फॉर्म, एच फॉर्म वगैरह वगैरह हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हमारा एक ही फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल, ठीक है, वो हमें यूज करना है जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूवमेंट होती है, तब हमें ई वे बिल इशू करना होता है, बस वही फॉर्म हमें यूज करना है। बाकी रिटर्न्स हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, वो हमारे एक नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पे उन्होंने
फॉर्म्स भी हमें बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्म यूज करने हैं, वरना पुराने सिस्टम में बहुत मुश्किल होती थी हमें, जब भी कभी रजिस्टर करना होता था तो लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सी फॉर्म वैट के लिए वन रजिस्टर डीलर टू, नो नो नो, सी फॉर्म वैट के लिए नहीं होता था। सी फॉर्म हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए यूज किया जाता था कि जब हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती थी तो हम एक 2% के रिगार्डिंग सी फॉर्म इशू करके देते थे, ठीक है। वैट के लिए फॉर्म इशू नहीं किया जाता था, राइट। तो ये एक बार आप खुद से गो थ्रू कर लेना, इसका मेन जो पर्पस और जो मोटिव था वो यही था जो मैंने आपको बताया। अब इसे बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, इसका मतलब क्या है कोई मुझे बताएगा? मुझे थोड़ा थोड़ा टर्म से भी समझ में आ रहा है, व्हाट इज वन नेशन वन टैक्स, कोई बताना चाहेगा? सेम रेट ऑल ओवर इन ऑल ओवर द नेशन, ओके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस देयर इज ओनली वन टैक्स, वेरी नाइस। सो देयर आर टू पॉइंट्स, एक तो पुष्पम कुमारी सेड एंड सेकंड वन इज वरुण कुमार सेड कि ऑल ओवर इंडिया जो टैक्स है वो हमारा जीएसटी ही चलेगा, ठीक है। दूसरा, जो रेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया हमारे सेम हैं, जो फोर रेट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब आप किसी भी स्टेट में जाके ट्रांजेक्शन कर लो, आपको यही रेट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि पहले तो ये होता था कि जी हमारे यहाँ पे सीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, या हमारे यहाँ पे वेल्थ टैक्स एप्लीकेबल, सॉरी, एक होता था वर्क डब्ल्यूसीटी, हमारे यहाँ पे ये टैक्स पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ कुछ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे, एक चीज। दूसरी चीज की अगर कुछ भी मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर स्टील और आयरन में मैं जिस कंपनी में काम करती थी हम उसमें डील करते थे, तो वहां पे स्टील और आयरन का स्टेट टू स्टेट डिफरेंट टैक्स रेट होता था, ठीक है। किसी में 12.5% होता था, किसी में 18, कुछ कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते थे। तो यहाँ पे ये चीज भी नहीं मैम, बट ओरिजिनली तो ये डिसाइड हुआ था कि टैक्स रेट भी एक ही होगा। हाँ जी, टैक्स रेट भी एक होगा, लेकिन इंडिया जो है वो हमारी एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये फोर रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ओरिजिनली तो देखो जीएसटी में बहुत कुछ उन्होंने बोला था कि हम जीएसटी में ये करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, वो सारी चीजें नहीं हुई है ना। तो लाइक जैसे कि रिटर्न्स के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था, अगर अभी आप लोग अवेयर हो तो रिटर्न जो जीएसटीआर 3 भी जाती है, पहले उसकी एक डेट होती थी हमारी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी 3 डेट्स में बांट दिया और रीजन वाइज बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड टर्नओवर वाइज। तो ये भी उन्होंने जीएसटी लॉ में इनिशियली नहीं बोला था, लेकिन अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। तो ये भी जीएसटी का जो पर्पस था वो थोड़ा सा डिफीट हो रहा है, इंट्रोड्यूस जो उन्होंने किया था कि भाई पूरे इंडिया में अगर मंथली टैक्स रिटर्न जीएसटी या 3 भी जा रही है वो बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास 3 डेट्स आ गई है जीएसटी या 3 भी अगर मुझे फाइल करनी है, ठीक है। तो उन्होंने ग्रुप्स में बांट दिए स्टेट्स को कि एक ग्रुप के अंदर उन्होंने कुछ स्टेट डाली हुई है, ग्रुप बी में दूसरी स्टेट डाली हुई है, ग्रुप ए 20 तारीख को रिटर्न फाइल करेंगी, ग्रुप बी जो है वो 21 तारीख को रिटर्न फाइल कर 22 तारीख को रिटर्न फाइल करेगी, एक 24 तारीख को रिटर्न फाइल करेगी। तो ये भी जीएसटी में नहीं था बट इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। फिर इन्होंने जो बोला था, जैसे आप लूप होल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, या जो ओरिजिनली इन्होंने बोला था वो पर्पस सॉल्व नहीं हुए हैं काफी कुछ। जैसे रिटर्न्स के रिगार्डिंग में अगर आपसे बात करूँ तो रिटर्न्स में उन्होंने बोला था कि भाई आपके एक रिटर्न फाइल करेंगे और ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो आपका कैप्चर हो जाएगा दूसरी रिटर्न के अंदर, तो वो काफी हद तक हो गया है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन करना है दूसरे पर्सन को, तो वो पर्पस भी अपना सॉल्व नहीं हो पाया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इनिशियली हमारी जो रिटर्न थी दैट वॉज GSTR 1, 2 एंड GSTR 3, लेकिन अभी हम लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, GSTR 1, ठीक है। GSTR 2A सब्सिट्यूट दिया गया रिटर्न GSTR 2 का, ठीक है। तो GSTR 2A लॉ के अंदर मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इन से मैंने GSTR 3B एक्ट के अंदर जो मेंशन है वो GSTR 3B 3 मेंशन है, 3B नहीं मेंशन है। तो इन्होंने GSTR 3 को सब्सिट्यूट कर दिया GSTR 3B की रिटर्न से, जो भी टेम्परेरी रिटर्न है ना। तो काफी सारे चेंजेस हैं जो कि नहीं हो पाए हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से, जो इन्होंने बोले थे वो नहीं हो पाए हैं, बट स्टिल ठीक है, काम किसी भी तरीके से करना है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, किसी भी तरीके से वो कर सकती है तो वो कर रही है, राइट।
तो वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया जीएसटी एप्लीकेबल है। इवन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको सबसे अलग रखा जाता था वहां पे भी अपना जीएसटी एप्लीकेबल है एंड सेम रेट जो है हम ऑल ओवर इंडिया फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जहाँ पे कॉन्करेंटली एम्पावर किया गया है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के काफी पॉइंट्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट आपकी बुक के अंदर ही अलग से टॉपिक दिया है तो एक बार इसके जो कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो अभी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम फटाफट से कवर अप करते हैं। 1 आवर इज ऑलरेडी पास्ट। तो ये वाला जो बिल है इसको एक तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं किए गए थे, इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं किए गए थे, तब तक जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता था। ठीक है, तो जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में सबसे पहले हमें इस बिल को अमेंड करना पड़ा था, इस एक्ट को अमेंड करना पड़ा था, और उसके बाद फिर हमारा जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने थे इस एक्ट के अंदर वो मैं आपसे अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये बिल था हमारा फर्स्ट टू टू जो 122 सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2014 था। ठीक है, जब इसको राज्यसभा लोकसभा में पास कर दिया गया तो ये एक्ट कन्वर्ट एक्ट बन गया था। तो इस एक्ट का नाम है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, और यहाँ से आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए बिना आप जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप डेट याद कर सकते हैं कि दैट वाज 18 सितंबर 2016। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, मैम 101 एंड 102 समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो 122 है वो दैट वाज बिल। जब भी पहले क्या होता है कि आपने कुछ ड्राफ्ट बनाया हुआ होता है वो बिल होता है। ठीक है, उस बिल को आप प्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में। जब लोकसभा उस पर प्रूफ कर देती है, सबका कंसेंट आ जाता है, तब वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 122 है दैट वाज बिल, जब उसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया तो वो बन गया एक्ट। तो एक्ट है 101 और जो बिल है वो 122 वाला। क्लियर? तो यहाँ पे अब इसके अंदर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, कुछ एंट्रीज हैं जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस एक्ट के अंदर उन्होंने बोला कि जी हम पावर कर रहे हैं, हम एम्पावर कर रहे हैं पार्लियामेंट मींस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक लॉ। ठीक है, पहले ये एम्पावरमेंट नहीं दिया गया था स्टेट के लिए, पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर थी। यहाँ पे उन्होंने एम्पावर किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। ठीक है, तो वो किस तरीके से लॉ बनाती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा भी बता देती हूँ। जो मैंने जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया था आप लोगों से, तो वहां पे क्या होता है कि सेंट्रल के कुछ पर्सन होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं, वो वहां पे बैठ के डिस्कस करते हैं। मेजोरिटी जिसकी होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर, तो मेजोरिटी ली जाती है, वोटिंग राइट्स लिए जाते हैं, और उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल है वो उस एक्ट को या उस नोटिफिकेशन को इशू कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंसेंट के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इनको बोला गया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज 246A। 246A जो है वो क्या बोलता है, यहाँ पे देखो इन्होंने बात की है इन चीजों की। अब हमारे पास सिर्फ जो एक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं जीएसटी के अंदर वो कौन कौन से हैं। वन इज सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स का है। ठीक है, तो और फोर्थ है हमारा यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीजीएसटी एक्ट है इसको एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी। ठीक है, आईजीएसटी में किसको एम्पावर किया गया, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि जितना भी मेरा 18% का टैक्स है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बाइफिकेशन करती है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट को 50% देना है। तो ये वाली वर्किंग हम नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं,
तो हम ये सेग्रीगेट करके देते हैं इनवॉइस के अंदर। फिर SGST जो है किसको एम्पावर किया गया चार्ज करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को। और UTGST, UTGST मींस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हाँ जी, तो ये उसको वो कौन करती है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करती है, क्योंकि जो यूटीज होती हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है, जैसे बाकी सब स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, जो यूटीज होती है उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है। तो उनको जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही टेक केयर करती है, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में उन्होंने बोला है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई अभी हम अगर जो लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसके उसके ऊपर अगर भी हम टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, तो वो हम क्यों नहीं चार्ज कर रहे, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर बोला गया कि अभी एज पर आर्टिकल 366 और सबसेक्शन 12A के अकॉर्डिंग अभी हम जो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एक्सपेक्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड JNK, अभी हम यूटीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आर्टिकल 269A के लिए हमें बोला गया है, उसने क्या बोला है कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है हमें उसे IGST के जैसे ही ट्रीट करना है, और लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, ओके। फिर हमने बात की थी ये वाले 5-6 प्रोडक्ट्स की, है ना। तो यहाँ पे भी ये इस कॉन्स्टिट्यूशन जो 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम GST चार्ज नहीं कर रहे हैं। एक ये वाले प्रोडक्ट्स आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब आपका MCQ होगा तो वहां पे पूछा जा सकता है कि हमारे ऐसे कौन से नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं जो GST के अंदर डिफाइन की गई है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है हमारी ये वाली, ठीक है। ठीक है, तो हमने जब वो बिल हमारे लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए थे, तो उसके बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे CGST एक्ट था, इंटीग्रेटेड एक्ट था, UTGST एक्ट है, और गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पनसेशन टू स्टेट बिल एक्ट है, ठीक है। ये फोर हमारे एक्ट हैं, राइट। तो यहाँ तक अभी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ GST। किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर, वेरी नाइस। तो अब नेक्स्ट आता है आपका ये वाला टैक्सेस सब्सूम्ड इन GST। तो यहाँ से डेफिनेटली आपका एक MCQ बन जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टैक्सेस थे जो GST आने के बाद सब्सूम्ड हो गए या उसके अंदर मर्ज हो गए हैं या रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है सब्सूम्ड होना, आपसे सब्सूम्ड पूछा जा सकता है, आपसे मर्ज पूछा जा, मर्ज यूजली नहीं पूछेंगे, बट सब्सूम्ड टर्म कैन बी यूज, है ना। तो हमें इस टर्म के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने जो सेग्रीगेट किया है, मैंने इसको सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया कि ऐसे कौन से सेंट्रल टैक्सेस थे जो GST के अंदर सब्स्यूम्ड हो गए, और ऐसे कौन से सेंट्रल टैक्सेस थे जो GST के अंदर सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छे से याद करनी है। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स जो मेजर मेजर वाले हैं वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आप खुद से याद करना। जो टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए, तो वन इज बेसिक कस्टम ड्यूटीज। बेसिक कस्टम ड्यूटीज मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि मेरे को बेसिक कस्टम ड्यूटी तो पे करनी ही है, तो ये अभी सब्स्यूम नहीं हुआ इसलिए हम इसे पे कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, तो दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे GST भी पे करना है और एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है, तो ये भी सब्स्यूम नहीं हुई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, अभी उसमें हम GST नहीं पे कर रहे हैं, दैट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द GST। स्टैम्प ड्यूटीज हो गई कि जब अगर मैं अपने घर की रजिस्ट्री कराने के लिए जा रही हूँ तो मुझे स्टैम्प ड्यूटीज अभी भी पे करनी होती है। तो और ऐसे कुछ स्पेसिफिक हमारे सेसेस हैं जो अभी भी हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले वो टैक्सेज हैं सेंट्रल के टैक्सेज हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए हैं GST। और कौन कौन से टैक्सेज हैं जो सब्स्यूम्ड हो गए हैं? सबसे बुरा टैक्स तो मुझे सर्विस टैक्स लगता था, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सर्विस टैक्स सब्स्यूम्ड हो गया। फिर एक्साइज हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, ठीक है। और जो जिसे हम SAT बोलते थे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, वो भी मर्ज हो गई है। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी मर्ज हो गया है, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस थे जो सेंट्रल टैक्सेस थे जो GST के अंदर मर्ज हो गए हैं, जो सब्स्यूम्ड हो गए हैं, जो रिप्लेस हो गए हैं, राइट। इन अ सेम मैनर स्टेट के टैक्सेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्टेट के मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टैक्स ले लेती हूँ।
टैक्सेस ऑन लिकर ये नहीं हुआ है, रोड टैक्स भी, टोल टैक्स भी अभी हम पे करते हैं, है ना, तो ये भी नहीं हुए हैं। इन्वायरमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे भी हम पे कर रहे हैं, और स्टेट के जो हमारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए हैं, दैट इज वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे टैक्सेस जो है वो हमारे सब्स्यूम्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको प्योरली याद करने का काम है, और यहाँ से डेफिनेटली देखे ना क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉन्सेप्ट, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट अब मैं थोड़ा सा लॉ के टर्म में आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जी, जो नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 18 जून 2017 में ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन था, इस नोटिफिकेशन में हमें शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शेड्यूल 1 के अंदर हमारे कौन कौन से गुड्स आएंगे और उनपे क्या रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर जितने भी गुड्स हैं, ये वाली जो नोटिफिकेशन है 1/2017, ये सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, इन सेम मैनर सर्विसेज के लिए भी इशू हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी गुड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 5% पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 जो है वो 12% का रेट कैरी करता है, तो शेड्यूल 2 के अंदर जितने भी आपके गुड्स आ रहे हैं वो सारे 12% का रेट कैरी करते हैं। शेड्यूल 3 जो है वो 18% को बिलोंग करता है, शेड्यूल 4 में जितने भी गुड्स आएंगे वो 28% वाले हैं, और शेड्यूल 5 में जितने भी गुड्स हैं वो 3% कैरी करते हैं, दैट इज गोल्ड, एंड शेड्यूल 6 आपका प्रीशियस स्टोन वाला और डायमंड वाला हो गया, वो जो कैरी करता है वो 0.25% कैरी करता है। ठीक है, और कुछ हमारे नील रेटेड गुड्स हैं वो शेड्यूल में मेंशन नहीं है। तो ये हमारे 6 शेड्यूल हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में मेंशन किए गए हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी हैं, बट जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू किया था डिपार्टमेंट में वो मैं एक बार आपसे शेयर कर लूंगी। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको अगर देखना होता है कि मोबाइल के ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी का, तो आप कैसे चेक करते हैं बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल कर लेते हैं या अपने किसी फ्रेंड को पूछ लेंगे, ऐसे ही करते हैं, गूगल कर लेते हैं, है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, लग्जरी है, ओके, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी अप्रोच अपने अंदर लेके आनी होती है। ठीक है, तो अब हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें गूगल नहीं करना है, वेरी नाइस अतुल, अब हमें शेड्यूल देखना है। ठीक है, तो अब मेरे को कौन सा शेड्यूल देखना पड़ेगा, अब मुझे डाउट है कि अगर मेरे को मोबाइल परचेज करना है तो उस पर जीएसटी कितना परसेंट होगा, तो मैं ये शेड्यूल फॉलो करूंगी, मैं ये नोटिफिकेशन फॉलो करूंगी। और अगर आप ये अप्रोच अभी से अपने में डाल लेंगे तो जब आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे या अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अप्रोच बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव मेंशन कि मैक्सिमम रेट इन जीएसटी कैन बी 40% हो सकता है। ठीक है, 20% इन सीजीएसटी एंड 20% इन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे मैंने जस्ट आई हैव मेंशन, इसको ब्रेकअप दे रखा था। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने ना, एक स्टूडेंट ने ऊपर एक बात बोली थी कि सेस पे किया जाता है ना, तो वो सेस क्या है वो मैं अब डिस्कस करती हूँ आपसे। जो हमारा नील रेटेड गुड्स हो गए, 5% वाले, 12% वाले और 18% वाले गुड्स हैं, उन पे सेस पे नहीं होता है। ठीक है, तो सेस किस पे होते हैं, जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर सेस पे किया जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, देखो जी, जो 28% टैक्स रेट स्लैब में पड़ते हैं उनके ऊपर हम सेस पे करते हैं। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जरूरी नहीं है कि जितने भी 28% के अंदर गुड्स और सर्विसेज आ रही है उन सब पे हमें सेस पे करना है। ठीक है, उसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे हैं कुछ विद सेस वाले हैं और कुछ गुड्स विदाउट सेस वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे मैंने से कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर दिए हैं कि लग्जरी कार्स, पान मसाला, एडिटिव ड्रिंक्स एंड टबैको, इनके ऊपर हम सेस पे करते हैं। जब आप कोई कार परचेज करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जीएसटी तो 28% का पे कर रहे हैं, साथ में वो एक सेस और डाल दिया, तो वो सेस कौन सा सेस है, बेसिकली वो कॉम्पनसेशन सेस है जिसकी हमने बात की थी ना,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 ईयर्स तक स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पनसेट करना है, तो कैसे कॉम्पनसेट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पैसे थोड़े ना आते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? वो सारा हमसे ही तो लेते हैं, तो वो हमसे सेस चार्ज करते हैं, कॉम्पनसेशन सेस चार्ज करके एक कॉम्पनसेशन सेस अकाउंट होता है, वहां पे वो अमाउंट डालते रहते हैं, ठीक है? फिर क्वार्टर में वो वर्किंग करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट को कितना कितना अमाउंट डिसबर्स करना है, तो वो वहां से डिसबर्स कर देते हैं, राइट? तो ये सेस जो है, जो स्टेट को कॉम्पनसेट किया जा रहा है, वो भी हमारे पैसे से ही कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो ये वाले 4 आइटम्स आई हैव मेंशनड ओवर है कि इनके ऊपर जो कॉम्पनसेशन सेस है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है? तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हैं, सेस किस अमाउंट पे चार्ज होता है। देखो आप ना एक चीज, ये नील रेटेड और जीरो रेटेड में भी आपसे डिस्कस करूंगी, वी हैव आई थिंक सो 5 टर्म्स जो सिमिलर हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है? तो आप मुझे 10 मिनट्स दो मुश्किल से, फिर मैं आपसे ये टॉपिक पिक कर लेती हूँ। अभी इन्होंने पूछा सेस किस अमाउंट पे चार्ज होता है। हाँ जी, तो देखो सेस किस अमाउंट पे चार्ज होता है, जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि ये कास्केडिंग इफेक्ट जो है उसको कभी भी प्रमोट नहीं करता है ना? जीएसटी इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था। अब आप इस पॉइंट, जो मैंने भी पॉइंट बोला है, आप इस पॉइंट को सोच के मुझे बता सकते हो कि सेस किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? टैक्स ऑन टैक्स तो होगा नहीं, सोचो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? तो कभी भी टैक्स ऑन टैक्स पे नहीं होगा, तो ये जो बेस वैल्यू है एग्जैक्टली उसी के ऊपर चार्ज किया जाएगा, राइट? क्योंकि जीएसटी प्रमोट नहीं करता है कि टैक्स ऑन टैक्स चार्ज किया जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा टैक्स से रिलेटेड हो गया। सो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे भी मैंने फॉर एग्जांपल 12% के अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं ये वाले प्रोडक्ट्स, 20% में ये प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करता रहता है, मैम सो बेसिक वैल्यू पर सेस एंड उस वैल्यू पर जीएसटी। पंकज एक मिनट, मैम सो बेसिक वैल्यू पर सेस उस वैल्यू पर जीएस, नहीं नो नो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सेस जो है आपकी, फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज का कोई मेरा प्रोडक्ट था, 100 रुपीज के ऊपर सेस जो था फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, ठीक है? तो 10 रुपीज इज डिफरेंट। अब जो मैं जीएसटी चार्ज करूंगी वो मैं बेस वैल्यू 100 पे चार्ज करूंगी, आई विल नॉट चार्ज ऑन 110 पे, क्लियर? तो जो मैंने आपसे सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन शेयर किया था, तो आप ये वाली गलती मत करना, आप उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, आप उरी जो हमारा ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट था आप उसी पे जा रहे हो और हमें वही नहीं फॉलो करना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। तो पंकज ये वाला इलिस्ट्रेशन आपने फॉलो नहीं करना, आप अभी इस वाली लाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 12 भी लिख देती हूँ, ठीक है, तो वैल्यू जो है हमारी 100 रहेगी, और जो टैक्स मैं फर्दर चार्ज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसको अभी मैं बना देती हूँ सेस, ठीक है? तो सेस हमारा चार्ज हो गया। ओके, सेस सबसे वैसे बाद में चार्ज किया जाता है, बट अभी जस्ट यहाँ पे फटाफट से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो जीएसटी वो 12, तो जो 12% है वो मैं 100 पे ही चार्ज करूंगी, और जो सेस है वो भी मैं 100 पे चार्ज करूंगी, ठीक है? चलो जी, ये भी हो गया हमारा। टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि जीएसटी कभी भी अलाउ नहीं करता है ना? तो ओके, हाँ मैं ये बता रही थी आपको कि देखो ऐसा भी होता है कि जब हमारी नोटिफिकेशन इशू हुई थी, उन्होंने बताया कि 5%, 12%, 18%, 28% वाले कौन कौन से गुड्स हैं। तो अभी जैसे वो बहुत फ्रिक्वेंटली नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं कि जी हमने मोबाइल को अभी 18% में था, अब हमने उसे 12% में डाल दिया, ठीक है? या जो कंप्यूटर से वो 28% में आ रहे थे, अब हमने उसे 18% में डाल दिया। तो ये नोटिफिकेशन वो इशू करते रहते हैं, ठीक है? तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आइटम्स लिखे हुए हैं ये मैंने बहुत पुराने वाले लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर चेंजेस आ गए हों। सो इट्स बेटर कि आप ये वाला जो स्क्रीन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आप मेरा वाला ना फॉलो करके पर्टिकुलर अपनी बुक अभी को बोलना ना, मैम, म्यूट तो निकल गया सबको आ रही अभी। होगी मैम घर में। नहीं, मेरा माइक म्यूट नहीं है, अगर आपको आवाज नहीं आ ऑफ करके मतलब एग्जिट करके फिर दोबारा, ठीक है? नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी कैन लीव इट। ये हम अभी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, ये हम बात करेंगे। अभी यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ये हमारा एक इंट्रोडक्शन जो था जीएसटी का वो डन हो जाता है। तो अब मैं सेकंड टॉपिक पिक कर रही हूँ जिसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो उसमें मैं थोड़ी सी और आपकी कंफ्यूजन बढ़ाना चाहूंगी और उसके बाद क्लियर करूंगी। अभी आपको मेरा न्यू पीपीटी शेयर हो गया, एक न्यू वर्ड फाइल शेयर हो गया, दैट इज डेफिनेशन ऑफ जीरो रेटेड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्रेट। तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि नील रेटेड गुड्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं। बाकी ने पूछा नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोग मुझसे पूछेंगे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, नॉन जीएसटीबल गुड्स क्या होते हैं। तो जीरो रेटेड आप लोगों ने पूछा है ना, तो ये फोर फाइव टर्म्स हैं यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। और ये जो फोर फाइव टर्म्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इसमें एक तो आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं और जब आप आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी ये टर्म्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है टैक्सेबल सप्लाईज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 108। ठीक है, तो जब हम जीएसटी एक्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहला कोई भी एक्ट हम अगर देखते हैं तो उसमें जो सेक्शन 2 होता है वो जनरली डील करता है हमारा डेफिनेशन से। ठीक है, तो इनकम टैक्स का हो, कंपनीज एक्ट का हो या फिर जीएसटी एक्ट का हो, जनरली जितनी भी एक्ट है वो सेक्शन 2 जो होते हैं वो हमारा डेफिनेशन का एक्ट होते हैं, सेक्शन होते हैं। तो वहां पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है टैक्सेबल सप्लाईज क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, कहता है कि टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब लेवियबल मींस जिसके ऊपर टैक्स चार्ज लगाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा टैक्स। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बता दी। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि गुड्स एंड सर्विसेज, जिन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा वो टैक्सेबल सप्लाई है। दिस इज वेरी क्लियर। आईटीसी अलाउड, ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी सप्लाईज होती हैं, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वो कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है। अब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, निल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, उसके बाद कहता है जो कि आपके होली एग्जेम्प्ट हो सकते हैं गुड्स। आपके कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट कर दिए हो डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो यहाँ पे कुछ कुछ बड़ी न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो इनको हम वन बाय वन ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल्स शेयर किए, एक बार आप देख लेना। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम्प्ट सप्लाईज याद रखनी है तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। साथ में आपको ये चीज याद रखनी है कि सप्लाईज आर टैक्सेबल पर डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्लोर, बेसन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स हो गए, ये 5% जो टैक्स रेट है वो कैरी करते हैं, शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, लेकिन टैक्स रेट है इनका 5% है। सो सप्लाईज आर टैक्सेबल बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी का मतलब ये कि डिपार्टमेंट ने जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बोला कि ये वाले जो गुड्स हैं इनको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना, इनके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना। क्लियर, एम आई क्लियर ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज, कि उनका टैक्स रेट तो होता है लेकिन हमें टैक्स पे नहीं करना होता। यहाँ पे किसी को डाउट है? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है, देखो ये भी इन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 के अंदर। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड नॉन जीएसटी सप्लाई दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत एक एमसीक्यू भी बन सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है,
नॉन टैक्सेबल सप्लाईज वो होती हैं कि वो सप्लाई तो है, वो सप्लाई तो है, लेकिन अभी उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या है? जैसे भी हमने वो फाइव आइटम्स पढ़े थे, फाइव सिक्स नाइन आइटम्स, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, है ना। किसी का ना माइक ऑन है बेटा, अपना ना माइक ऑफ कर लीजिए आप ना। आई से भावना बंसल, आपका माइक माइक्रोफोन जो है वो ऑन है, इसे आप काइंडली स्विच ऑफ। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं कि वो सप्लाई होती हैं लेकिन अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं, जैसे कि वो फाइव आइटम्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद आता है नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई मीन्स क्या होता है कि वो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज वो सप्लाई होती हैं लेकिन जीएसटी से भी टाइमिंग बाहर रखी गई है। हो सकता है बाद में नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे और उनको इन कर लेंगे, जीएसटी में डाल देंगे। नॉन जीएसटीबल सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं आती हैं, वो सेक्शन 17, सेक्शन 7 जो है हमारा उसके अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। उनके अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी भी चार्ज नहीं किया जाता। तो नॉन जीएसटीबल सप्लाई जो है उसकी डेफिनेशन एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि नॉन जीएसटीबल सप्लाईज शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन की गई है कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, जो हमारा ये एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की नहीं, जो क्रिमिनेशन वगैरह की सर्विसेज हैं और क्रिमिटोरियम की सर्विसेज हैं, और जो व्हीकल यूज किया जाता है टू फॉर द डिकेड पर्सन, है ना, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये वाली सर्विसेज जो है वो नॉन जीएसटीबल सप्लाई है, इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। दूसरी सर्विसेज हमारी हो गई, जो हमारी जुडिशियल सर्विसेज हो गई, है ना। जुडिशियल सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन कोर्ट्स की जो सर्विसेज हैं वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन जीएसटीबल सप्लाई, राइट। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आता है निल रेटेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाईज में देखो क्या होता है कि वो टैक्स रेट उनका जो होता है वो 0% होता है, वो होते हैं जैसे हमारे साल्ट, ग्रेन एंड जैगरी वगैरह हो गए, ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो रेट है वो डिक्लेयर किया हुआ होता है और वो जो हमारा होता है वो 0% के अराउंड होता है, उनको हम निल रेटेड गुड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम जीरो रेटेड सप्लाई में, स्टूडेंट्स ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है हमारी? जब भी हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं या ले रहे हैं फ्रॉम और टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर्स, तो उसको हम जीरो रेटेड सप्लाईज बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है आपको याद रखना। तो जीरो रेटेड मतलब अगर जहां पे भी अब जीरो रेटेड आएगा आपको ये चीज याद रखना है कि दैट बिलोंग्स टू एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स है जो यूजली कंफ्यूजन क्रिएट करती है, दैट वाज नॉन जीएसटीबल सप्लाईज एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। इन दोनों का डिफरेंस एक बार आप अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी, ठीक है। तो दैट कम्स इन योर डेफिनेशंस वाले पार्ट के अंदर आता है। इसके बाद हम अभी किसी को इन डेफिनेशंस में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं एक और आपके सामने टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, यूटीज का, ठीक है। ये यूटीज के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट से कवर अप भाई हमारे हो जाएंगे। फिर डेफिनेशंस के लिए बस मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस करनी है। मैम, सिक्स वाला क्या था? नाम मुझे बताओ, सिक्स वाला क्या था? सेकेंड वाला पीडीएफ नहीं मिला। अंकिता, पंकज, मुझे आपका, अनिका, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करो, है ना। अच्छा, तो यूटीज क्या होती है? यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये देखें। अच्छा, आप लोग का मुझे, अच्छा, जीरो रेटेड क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट डिफरेंस। ओके, आई एक्सप्लेन। जीरो रेटेड तो देखो क्या होती है, जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज होती है। एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसे हम जीएसटी में ट्रीट करते हैं एज ए जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, जीरो रेटेड मीन्स एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट चाहे आप आउट ऑफ कंट्री कर रहे हो, चाहे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को कर रहे हो, ठीक है, तो वो होती है जीरो रेटेड।
सेकेंड क्वेश्चन है चाहत का, आस्किंग कि प्लीज एक्सप्लेन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट डिफरेंस। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमारी वो सप्लाईज होती हैं, देखो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो बेसिकली पार्ट है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाईज का। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या सप्लाईज होती हैं कि उनका एक पर्टिकुलर टैक्स रेट डिफाइंड है एक्ट के अंदर। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल, आई एम जस्ट टेकिंग मोबाइल का जो रेट है वो 12% है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि हम मोबाइल को बेसिक नेसेसिटीज में डाल रहे हैं और हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नाउ एग्जेम्प्टेड गुड्स, दिस इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इसका टैक्स रेट तो डिफाइन है एक्ट के अंदर कि ये 12% है, लेकिन डिपार्टमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो इस पे भी मुझे टैक्स पे नहीं करना, राइट। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती है कि वो सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि वो सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जब वो सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन मोबाइल का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा याद रहता है मोबाइल। हम सबसे पहले है कि मैं मोबाइल परचेज करने के लिए जाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये देखूंगी कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो मोबाइल है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है ना। तो अभी ये क्राइटेरिया सबसे पहले हमें चेक करना है कि येस इज इट सप्लाई और नॉट। तो उसका सप्लाई होना ही जरूरी, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, उसका सप्लाई होना इज जरूरी। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि चलो ये आइडेंटिफाई हो गया कि वो सप्लाई है और सप्लाई होना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अब हमें डिसाइड करना है कि वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है हमारी, जो जिनके ऊपर अभी हम जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसको भी जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। जैसे वो 5-6 लाइन आइटम्स पेट्रोल डीजल एंड ऑल कि डिपार्टमेंट ने भी उसे बाहर रखा हुआ है, लेकिन वो उसको बाद में जीएसटी के दायरे में लेके आ सकती है, राइट। तो ये उसका डिफरेंस है। मैम प्लीज एक्सप्लेन सप्लाई इन डिटेल। सप्लाई के लिए वी विल रीड सेक्शन 7, तो वो नेक्स्ट सेशन के जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर लूंगी। उसके लिए फुल फ्लैज मुझे एक क्लास चाहिए रहेगा, तो सप्लाई अलॉन्ग विद द शेड्यूल्स वी विल डिस्कस, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी चाहत डू यू यू हैव एनी क्वेरी अबाउट नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटीज के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब भी आप मुझे बताइएगा, जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है एक हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हमारी होती है जब हम विद इन अ स्टेट करते हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है जब टू स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा टैक्स चार्ज करना है। जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक है। जब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे टू स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। तो यूटीजीएसटी हम कब चार्ज करते हैं? अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स एक यूटी से दूसरी यूटी में मूव हो रहे हैं, या एक यूटी से दूसरे स्टेट में मूव हो रहे हैं, ठीक है, तभी भी हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है और हम इंटर यूटी या आईजीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक। जब दो यूटीज इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इंटर स्टेट अपना यूटी यूटीजीएसटी हम चार्ज करते हैं। जब बात करते हैं हमें इंट्रा यूटी कब चार्ज करना है, जब विद इन अ यूटी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। अब विद इन अ यूटी, अब यूटी क्या है पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी यूटीज हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फाइनेंस एक्ट 2020 आया था, वहां पे उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो उन्होंने किया कि यहाँ पे उन्होंने लद्दाख को ऐड किया है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो दादरा एंड नगर हवेली है ये एक अलग यूटी है, दमन एंड दीव एक अलग यूटी है, तो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने विद ओन लेजिस्लेचर करके लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है। अभी किसी चैट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई भी मुझे ऑलरेडी पहले कर दिया था, तो मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ओन लेजिस्लेचर है कि जो दिल्ली है उसका अपना एक एक्ट है, ठीक है। तो जब उसका अपना एक एक्ट है दैट्स मीन उसकी अपनी गवर्नमेंट है, सॉरी उसकी अपनी गवर्नमेंट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट है,
तो उसका अपना ओन लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे वो यूटी कंसिडर नहीं की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इन द सेम मैनर जम्मू कश्मीर के लिए मैंने बोला था ना मैम, यूपी का अच्छे से बता दो, तो अभी मतलब मैं समझी नहीं, यूनियन टेरिटरी का अच्छे से बता दो अभी। मैं आई थिंक सो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कुछ कमी पेशी रह जाती तो आप मुझे बता देना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दिल्ली है उसका अपना ओन लेजिस्लेचर है, उसका अपना एक्ट है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कि वो उसको टेक केयर करे। यूजली क्या होता है, यूटीज को जो टेक केयर करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट टेक केयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है, उसका ओन लेजिस्लेचर है, इसीलिए जीएसटी के पर्पज के लिए हम दिल्ली को एज अ स्टेट कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूपी, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना लेजिस्लेचर है जो कि अभी 31 अक्टूबर 2019 को बना है, तो ये भी हम एक स्टेट के जैसे ही कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद है पुडुचेरी, पुडुचेरी का भी अपना लेजिस्लेचर है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो भी हम स्टेट के जैसे ट्रीट करेंगे। बाकी रह गई लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इन 5 यूटीज की अपनी गवर्नमेंट नहीं है, इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है, यूनियन टेरिटरी जो इनकी गवर्नमेंट है वो इनको देखती है, तो इसीलिए ये भी हमारी यूटीज है। तो इन शॉर्ट वी हैव 5 यूटीज, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पे अब जो भी ट्रांजेक्शन होगी इन 5 यूटीज के अंदर, हाँ जी, तो ये जो टेक केयर है वो एग्जैक्टली वर्ड बेसिकली एडमिनिस्टर्ड है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है, वो एडमिनिस्टर्ड करती है इन यूटीज को, ठीक है। तो जो हमारी 3 यूटीज है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वी विल कंसिडर एज अ स्टेट, क्योंकि उनका अपना कानून है, अपनी लेजिस्लेचर है, उनका अपना गवर्नमेंट है, ठीक है। बाकी जो 5 रह गई हैं वो यूटीज कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यूटीज हैं, तो पर्पस क्या था यूटीज का? पर्पस ये है इन इन जगहों को यूटीज कंसिडर करने का या आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? एनीवन कैन टेल मी? अभी हमने बात की थी ना कि जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से दिल्ली में गुड्स हम या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते थे, ठीक है। लेकिन अगर अब फॉर एग्जाम्पल मैं लद्दाख के अंदर हूँ या मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो हम क्या चार्ज करेंगे? तो पुष्पम सेठ, सीजीएसटी एंड यूपी जीएसटी, वेरी नाइस। तो अब हम जो टैक्स चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी, ठीक है। तो 2 टैक्सेस हमेशा चार्ज किए जाते हैं क्योंकि हमारा ड्यूअल मॉडल है ना। एग्जैक्टली, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी चार्ज किया जाएगा जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, जब इंट्रा यूटी, और राइट वर्ड इज इंट्रा यूटी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। तो हम क्या करते हैं, एसजीएसटी को रिप्लेस कर देते हैं विद यूटी जीएसटी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार आप ये खुद से गो थ्रू कर लेना। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लाइक देखो हेयर आई हैव मेंशनड आल्सो कि जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है, इफ देयर इज इंटरस्टेट सप्लाई। जस्ट वेट अदिति, थर्ड पॉइंट वही है। तो जो सीजीएसटी है वो किसके पास जाएगा, आप मेरे को आंसर करते जाओ फटाफट से। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन एवरीवन नोज ना क्या होती है, यस और नो? यस और नो? फटाफट से यस, और भी फटाफट से करते जाओ, ग्रेट, ठीक है, विद इन स्टेट, वेरी नाइस। तो जब हम विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं, जस्ट मेक अ नोट। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, जस्ट रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। नो नो, आई सेड एसजीएसटी और सीजीएसटी, ओके। तो सीजीएसटी जो है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एसजीएसटी जो है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्लियर। जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या चार्ज करते हैं, रिप्लाई आईजीएसटी। और आईजीएसटी किसके पास जाएगा सारा, किसको एम्पावर किया गया है कलेक्ट करने के लिए? सीजीएसटी नहीं जाएगा, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी समवन रिप्लाइड, सो नो, इट्स आईजीएसटी ओनली,
हाँ जी, तो वो कौन एम्पावर किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है। अच्छा, मैंने फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इज, अब मैं बात कर रही हूँ, अगर हम विद इन यूटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि जो मेरी फाइव यूटीज हैं, लाइक जैसे कि चंडीगढ़। मैम, दिल्ली में सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी? नो, दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया ना, दिल्ली को हम स्टेट के जैसे कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, है ना, क्योंकि उसका अपना लेजिस्लेचर है। तीन यूटीज ऐसी हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है, तो उनको हम स्टेट के जैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यूटी का परफेक्ट एग्जांपल दूं, तो हम चंडीगढ़ ले सकते हैं। चंडीगढ़ यूटी है, उसका अपना कानून नहीं है, उसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, उसको यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्टर्ड करती है, राइट। तो वहां पे यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यही एग्जाम्पल उठा रही थी, रेड वाला जो मैंने हाईलाइट किया रखा है, कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन यूटी, अगर चंडीगढ़ से में ही मैं कोई सामान परचेज या सोल्ड कर रही हूँ, तो हम क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, विद इन यूटी अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर सप्लाई ऑफ, हु विल कलेक्ट दिस? सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को वही एम्पावर किया गया ना। सीजीएसटी तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और यूटी कौन एडमिनिस्टर्ड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसी के पास जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन हुई है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ ली थी। अब मैं बात कर रही हूँ कि एक यूटी से दूसरी स्टेट में कोई सामान जा रहा है, या अंडमान से चंडीगढ़ में कोई सामान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है कि चंडीगढ़ से दिल्ली कोई सामान जा रहा है, गुड्स या सर्विसेज जा रहे हैं, तो एक स्टेट और एक यूटी इन्वॉल्व हो गई, या चंडीगढ़ से अंडमान कोई सामान जा रहा है। तो इस केस के अंदर हम क्या चार्ज करेंगे? वी विल चार्ज आईजीएसटी, या वी विल चार्ज आईजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, या सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी? तो जी, यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें आईजीएसटी चार्ज करना है, ठीक है। अगर इसमें स्टिल किसी को कोई डाउट रह जाता है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, इसका यूटिलाइजेशन हम बाद में देखेंगे जब हम यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। दैट्स इट, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन में भी कर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो एचएसएन कोड एंड एसएससी कोड्स में एक बार आपको बता देती हूँ हमारे क्या होते हैं, इसको आप याद कर लेना। ये आपसे इसकी एब्रीविएशन वगैरह मैम व्हाट्सएप इस पे करना है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज। एचएसएन एसएससी कोड्स जो है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में यूजली वो आपसे एब्रीविएशन वगैरह भी पूछ लेते हैं, है ना। क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं मैम, इनफ फॉर टुडे? नहीं, अभी नहीं, अभी जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट ना, मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो। सो एचएसएन क्या है हमारा? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये इसका टर्म है, और एसएससी स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड्स इन जीएसटी। तो एचएसएन के अंदर देखो क्या होता है कि बेसिकली आई से कि हमारे पास कंप्यूटर, सीपीयू, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल है, बैटरीज हैं। तो हम जब इसको सिस्टम में डालते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं डालते कि कंप्यूटर ले लिया, सीपीयू ले लिया, मोबाइल ले लिया। तो इनके पर्टिकुलर कोड्स हैं, है ना, वो कोड्स के थ्रू हम सिस्टम में इसको डालते हैं और आइडेंटिफाई करता है सिस्टम इसको। तो ये उसी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे कि इनवॉइसेस हैं, वहां पे भी एचएसएन कोड या एसएससी, एचएसएन कोड जो है वो गुड्स के लिए यूज होता है, एसएससी कोड जो है वो सर्विसेज के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, और ये जो है वो गुड्स को और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। हम नाम के अकॉर्डिंग नहीं सिस्टम में फीड करते हैं, हम इन कोड्स के अकॉर्डिंग इन्हें फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जस्ट मैं उस पर आ रही हूँ डायरेक्टली। देयर आर लाइक वी कैन यूज, हमारे पास टू कोड्स, फोर कोड, सिक्स कोड्स हम यूज कर सकते हैं, और एक एट कोड्स है। एट कोड जो है वो हम यूज करते हैं जब हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। मैम दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन स्टडी मैट, ओके, ये टॉपिक नहीं है स्टडी मैट के अंदर, चलो ठीक है, ओके, दैट्स इट। बट फिर स्टिल आई एम शेयरिंग, आई थिंक सो इट इज देयर, आई थिंक सो, या तो फाइनल में होगा ये, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक नहीं है तो आई विल लीव इट, अगर होगा तो मैं आपसे नोट शेयर कर लूँगी, आप पढ़ लेना। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे एकदम मैं बताई देती हूँ, मैंने खोला है तो
जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक का है, उनको HSN कोड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अपनी इनवॉइसेस के अंदर, लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का है, उनको 2 डिजिट HSN कोड मेंशन करने हैं। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, उन्हें 4 कोड्स मेंशन करने हैं। और जो पर्सन HSN रिपीट कर दो, ओके, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको 8 डिजिट कोड जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। और ये जो HSN कोड्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये HSN कोड चलते हैं, ठीक है। ये हम पहले यूज करते थे एक्साइज वगैरह में भी, हम यही यूज करते थे, ठीक है, HSN कोड वगैरह। HSN कोड बेसिकली क्या होते हैं, HSN कोड हम यूज करते हैं गुड्स के लिए, SSC कोड्स हम यूज करते हैं सर्विसेज के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज को हमने कोड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे बेसिकली होते हैं चैप्टर्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। आप एक बार जस्ट गूगल पे सर्च करके देखो, आप डालो HSN कोड ऑफ मोबाइल, ऐसे करके डालो। HSN कोड का क्या फंक्शन है मैं वही आपको बता रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप CPU लेके आए हैं, तो आप सिस्टम में CPU नहीं चढ़ाएंगे जब आप कभी रिटर्न फाइल करेंगे या आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें डिटेल्स डालनी होती है, तो आप कभी ये नहीं डालेंगे कि मैं CPU में डील करता हूँ। आपको वहां पे उसका HSN कोड नंबर डालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब स्कूल जाते थे या अभी आप CMA में, तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिला होता है। तो उसी तरीके से इन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमने कुछ कोड्स दे रखे हैं, और वही कोड्स हमारे यूनिवर्सल चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, एग्जैक्ट नहीं 12% तो नहीं हियर, तो मैम HSN कोड GST रेट भी कैरी करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अब आपको कहाँ से पता लगेगा, जब आपको नोटिफिकेशन में आपसे शेयर करती हूँ अभी, जस्ट गो थ्रू विद दैट, वहां पे उन्होंने एक HSN कोड मेंशन कर रखा होगा जिसका नाम उन्होंने भी चैप्टर दे रखा होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। एग्जैक्टली, तो जैसे मैं आपको वही बता रही थी कि जब आप स्कूल जाते थे तो आपका एक रोल नंबर होता था ना, आपका नाम तो होता था लेकिन आपका एक रोल नंबर होता था 38 32 वगैरह। तो यूजली मैम क्या करती थी, नाम की वजह रोल नंबर से आपकी अटेंडेंस लेती थी ना, रोल नंबर 1 2 3। इसी तरीके से जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमने कोड्स असाइन किए हुए हैं, तो हम जब सिस्टम में इसको डालते हैं या हम यूनिकली एग्जैक्टली है ना, तो ये हम नाम से नहीं इनको लेते हैं, हम इनको कोड्स के थ्रू पिक करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना आपके सिलेबस में है कि नहीं, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एंड जीएसटी काउंसिल ऑन जीएसटी, मैं आपको बस ये फटाफट से बता देती हूँ। आपको ये दिख रहा है जीएसटी काउंसिल आ गया है क्या नोट? ओके नो, अभी ये जस्ट गिव मी मिनट। अब आ गया होगा है ना। तो जीएसटी काउंसिल और जीएसटी इनका क्या रोल है ये मैं आपको बता देती हूँ। जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ये बताया गया है, आर्टिकल 279A के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, तब जीएसटी काउंसिल जो है उसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सो जो चेयरपर्सन है वो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? हाँ मुझे रिप्लाई कर दो, मैं तब तक देखती हूँ। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसको जो हेड करती है, जो उसकी चेयरपर्सन है, वो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इस टीम के अंदर, और यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ, और हमारे कुछ स्टेट के मेंबर्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स होते हैं। वो कौन मेंबर्स हो सकते हैं? वो या तो उनके फाइनेंस टीम के मेंबर्स हो सकते हैं या फिर उनके जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो न, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं वो हमारी चेयरपर्सन है जो जीएसटी काउंसिल को हेड करती हैं। ये थोड़ा सा इसका लीगल इश्यूज है, एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना कि 60 डेज के अंदर उसे फॉर्म करना मैंडेटरी था। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जितने भी जीएसटी के रेट्स डिसाइड किए जाते हैं, किस कौन से गुड्स को एग्जेम्प्ट करना है, कौन सी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना है, वो सब ये करती हैं। कब नोटिफिकेशन इशू करना है, आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट्स रिगार्डिंग क्या चेंजेस करने हैं, जैसे 20 और 10 था इनिशियली, फिर बाद में उन्होंने 40 और 20 भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किया जाता है, ठीक है। ये सारे काम जो है ये यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसका एक कोरम हम देख लेते हैं, वो क्या होता है बेसिकली।
यहाँ पे उन्होंने 3/4 ऑफ द वेटेज ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग राइट वोटिंग में उन्होंने बोला है कि उसमें से 3/4 टोटल होना चाहिए, उसमें से 1/3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 2/3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, जो मीटिंग अटेंड करने वाला कोरम होता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं इसको, कोरम जो है उसको मीटिंग के लिए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगा कि हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। सो सबसे पहले इस 3/4 टोटल वेटेज है जिसमें से 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं और 2/3 उसमें से स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, मीटिंग का कोरम बनाने के लिए 0.5% जो है वो इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार आप जस्ट चेक कर लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछ जा सकते हैं। जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर हमारे 33 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन है, एक तो हमारी चेयरपर्सन हो गई है, बाकी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए स्टेट के या फिर स्टेट के जो उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो हो सकते हैं। तो लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पंजाब हरियाणा और हिमाचल के मेंशन किए हुए हैं, आप एक बार ये भी चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बट जस्ट वी शुड नो कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है। रिटर्न्स से रिगार्डिंग मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है, नोटिफिकेशन इशू करने हैं, वो सारा काम जीएसटी काउंसिल का है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगी, जीएसटी नेटवर्क हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लिया था कि जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है और दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है सेक्शन 8 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है सारा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये 28 मार्च 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 49% का है, बाकी जो 51% का शेयर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, लाइक जैसे कि हमारे जो बैंक्स वगैरह हो गए, ये उसकी सारी समरी है, ठीक है। तो इन सब का शेयर है और ये भी जीएसटी इनका, ये इसकी यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल वगैरह भी मेंशन की हुई है। तो इनका काम क्या होता है जीएसटी इनका, कि जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है रिटर्न्स फाइल करने के लिए, रजिस्ट्रेशंस करने के लिए, पेमेंट करनी है टैक्सेस की, ये सारा जो काम है वो हमें जीएसटीएन ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये वो नेटवर्क है, इंफोसिस ने हमें ये सारा प्लेटफॉर्म, आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम घर बैठे बैठे अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब इन्होंने उसके अंदर भी कमेटी बना रखी है, किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें कमेटी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे उन्होंने वो कमेटी बना रखी कि उस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो वो एक बार आप ही गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका। तो दैट्स इट फॉर द डे, इससे ज्यादा भी मैं और कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं अपना नंबर बता देती हूँ, आप नोट डाउन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, इट्स 950। मैं टाइप कर दूँ बेटा यहाँ पे, आई एम टाइपिंग, इट्स 950124-9919। विजिबल है सबको? अभी मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया, अभी मैं शेयर कर दूंगी। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप तो इट्स बेटर यू मे क्रिएट इट। मैम दिस इज ग्रुप लिंक, ये किसका ग्रुप लिंक है? ओके ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। यार ये ना ओपन नहीं हो रहा है मुझसे अभी। हाँ, यू आर इन ऑलरेडी, ओके, हाँ दैट्स ओके। तो उसी ग्रुप में आप बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको लिंक भेज दीजिए, बाकी के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर उनको आप उसी ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, है ना। हाँ, ओल्ड ग्रुप के अंदर ही आप बाकी न्यू स्टूडेंट्स को ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो फिर हम अब आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, जब भी हमारा क्लास है, आई थिंक सो इट्स ऑन फ्राइडे ना। चलो जी फिर, ओके, बाय बाय।
तो,